नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी? सब कैसे हैं? सब शुक्र है मालिका, आप सुनाए जी सर, बहुत बढ़िया सर। भूपिंदर सिंह जी, कैसे हैं आप? नमस्कार गुरु जी, ठीक है जी, बिल्कुल। चलिए वेलकम। आज की जो युति हम करेंगे डिस्कस, बहुत ही इम्पोर्टेंट और कुछ ऐसा ही कलयुग में हो रहा है, तो गुरु और बुद्ध की युति। मैं थोड़ा सा ना लाइट ऑन कर लूं। मैंने एक बार कहा था, नज़्म में लिखा था कि जो गुरु है, दो मिनट दीजिए, जो गुरु है उसका जो पाठ है मसनूई पाठ, वो बुध और राहु भी बनता है। और आज के युग में ये जो चीज है बहुत ही कॉमन है, जो ज्ञान है वो मैनिपुलेट करके गलत तरीके से लोगों में दिया जा रहा है, उससे ज्ञान से गलत पैसा कमाया जा रहा है, जो कि अपने स्वार्थ के लिए यूज होता है या गलत अय्याशी के लिए यूज होता है। जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने आपको मैसेज भेजा, किसी ने वहां पर कहा है कि देखिए 15,000 की रेकी सिखा रहे हैं, वो भी एक लेवल एडवांस लेवल, और हमने एक एक चीज सिखाई। और मेरे पास काफी लोगों के आए मैसेज, उन्होंने को रेकी की मेडिटेशन नहीं पता, गैशो मेडिटेशन नहीं पता। तो ये सारी चीज हो रही है। जब पांडव और कृष्ण थे ना एक साथ, तो उन्होंने कहा कि अब देखना चाहते, जानना चाहते कि कलयुग कैसा होगा। तो कृष्ण ने कहा कि आप जाए जंगल में, देख के आए आपको क्या क्या नजर आता। तो एक बंदे ने कहा कि मुझे नजर आया पंछी के परों पे वेद लिखा हुआ, पर वो मीट खा रहा है। तो यही हिसाब होगा कलयुग में, वो लोग ज्ञान देंगे जो गलत लोग हैं, और उनको आप लोग पैसे भी दे देते हो, बड़े बड़े पैसे दे देते हो। मेरे पास आज जिसकी मैंने बात की सुबह, मेरे पास मैसेज आया, उन्होंने कहा रिक्वेस्ट है भी आप शो मत करना, इसलिए मैसेज मैंने शो नहीं किया। उन लोगों ने जय माता दी अनीता शर्मा जी, आप हैं मौजूद, मैंने देखा नहीं, माफ कीजिएगा मेरी बहन। उन लोगों ने मैंने जस्ट ज्वाइन किया, मैं लोगों को एडमिट करने में लगा हुआ, काफी लोगों की बजा हो रही है, तो अभी भी फिर बजा होगी, बैद्यनाथ मिश्रा जी आने वाले, तो आई वॉज जस्ट डूइंग दैट थिंग। उन्होंने कहा कि 3-3, 4-4 लाख रुपया देके उन्होंने ये लाल किताब का कोर्स किया, बैटिंग का कोर्स किया, आया फिर भी कुछ नहीं करते। अब वो जिनकी बात करें, देखिए पहली बात तो ये है कि रटी रटाई बातें करनी, जो गुरु ही आपको रटी रटाई बातें कर रहा है, काफी सारी निशानियां तो मैं आपको सिखा भी देता हूँ कि कैसे फाइंड करनी। जैसे हम लॉजिकली बात करते हैं तो वहां पर कह देते कि यार निशानियां कई बार लगती नहीं, हर निशानी जो होती है वो लगती है, लगानी आनी चाहिए। मेरे को लोग काफी जुड़ रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा ना उनको एडमिट करने में। देखिए बात क्या होता है कि निशानी को, जैसे कि हमने कल मंगल की बात की, निशानी को कैसे आपने मॉडिफाई करना है। अगर देखें पुराने जमाने में जो कारें थी और आज की कार में जमी आसमां का फर्क है। आज की तो इलेक्ट्रिक कार आ गई टेस्ला की, वो भी चल रही है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर और उनकी चीजें, जैसे कल किसी ने एम्बेसडर की बात की, तो समय के साथ चेंज आती है। पर ये जो निशानियां है, ये जो बातें हैं, वो कब की किताब लिखी, 100 साल हो गए, तो थिंग्स हैव चेंज। पहले ज्वाइंट फैमिलीज थी, चीजें थी, अब वही चीज आप रटी रटाई चीजें बात करते रहेंगे बिना किसी के अंडरस्टैंडिंग के, तो वो बात नहीं बनेगी। जब आपको पता चल जाएगा कि ये निशानी हमने कैसे निकाली है, कैसे देखी है, कैसे समझी है, तो यू कैन मेकअप द थिंग्स। आपको उपाय बताने भी बनाने, जय माता दीपक पौधन जी, आपको उपाय बताने भी मैंने सिखाए कि कैसे उपाय बनते हैं युति में। जैसे कल बात की थी, जय माता दी सर, थैंक यू सो मच। जैसे हमने कल बात की थी कि पीतल के शेर, किसी ने कहा कि या मूर्तियां या ज्योत पीतल की मंदिर में होती है। देखिए युति में जो चीज जो है ना, जिसको जो खराब कर रही है, उसको दूसरा जो प्लेनेट है अगर उसको अपने अधीन कर ले, तो कहीं ना कहीं युति का प्रभाव ठीक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ गुरु और बुद्ध की बहुत इंटरेस्टिंग दुनिया युति आज बात करें, बुद्ध तो अगर आप मंदिर में जाकर
भजन करते हो। ओजी राणा जी जय माता दी, कैसे आप? वैद्यनाथ मिश्रा जी कैसे आप? तो मंदिर में जाकर अगर आप भजन करते हो, आरती करते हो, बहुत बढ़िया, प्रभु जी आपका आशीर्वाद। धन्यवाद सर जी। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी सभी को। नीरू राणा जी नमस्कार जी आपको सबको। तो राम राम मनीष शर्मा जी, तो मंदिर में जाकर आप जैसे भजन करते हो, कीर्तन करते हो, आरतियां गाते हो, गीत गाते हो प्रभु के, वो बुद्ध ही है। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, वो बुद्ध ही है। ढोलकी बजाते हो, बुद्ध ही है। पर वो उस टाइम वो बुद्ध जो है वो गुरु के अधीन हुआ पड़ा है। और वही बुद्ध अगर बाहर कहीं वो रैप चल रहा है, सॉन्ग चल रहा है, कोई दारू पी के बड़े बड़े म्यूजिक लगा के नाच रहा है, तो वो बुद्ध अब गुरु के अधीन नहीं है। वो बुद्ध अब राहु के अधीन है, शनि के अधीन हो सकता है या शनि के साथ हो सकता है। तो इसी तरह से अगर मंदिर में वो पीतल की कोई जोत पड़ी है, कुछ चीज पड़ी है, तो इट मीन्स कि वो पॉजिटिव है। उसको आप नेगेटिव मत लें कि हर समय वो कोई अब बुद्ध जो है वो खराब कर रहा है। तो इस चीज को हम नहीं लेंगे। बहुत प्यारी युति हम डिस्कस करेंगे आगे गुरु और बुद्ध की। तो सबसे पहले कुछ निशानियां चलते हैं सीधा ही। निशानियां इंटरेस्टिंग होती हैं, सबको निशानियां पसंद आती हैं। और ये निशानी जो है, परिवार में कोई ना कोई दबंग होगा। दबंग फिल्म सब पसंद है। तो दबंग क्या मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखिए, गुरु जो है वह ज्ञान का कारक है, बुद्ध जो है वो बचपना है। एक बच्चा, लॉजिक समझा रहा हूँ साथ में आपको। एक बच्चा जो होता है ना, बच्चा किसी की परवाह नहीं करता। कई बार देखा ना, वो एक स्टोरी है ना, जब अकबर और बीरबल की, तो अकबर ऐसे पूछता रहता था बीरबल को, क्योंकि उनके दिमाग का वो इम्तिहान लेता था। वो कहता कि अगर कोई मेरी मूछे मरोड़े तो मैं उसे क्या दूंगा। तो बीरबल बड़ा कहता, सोच समझ के बोलना। बीरबल कहता कि आप उसे गोदी में उठाकर उसे प्यार करेंगे। सभी सभा हैरान होगी कि इतने बड़े राजा की कोई मूछे मरोड़ दे और ये बोल रहा कि आप उसे प्यार करेंगे, उसे टॉफी देंगे या इनाम देंगे। तो हंसने लग पड़ा, कहता बिल्कुल सही, कहता किसी की हिमाकत नहीं है मेरे मेरे पुत्र के, छोटा भी पुत्र है उसके अलावा भी मेरी मूछे मोड़ सके। तो ये बात होती है कि जो एक बुद्ध होता है, बच्चा होता है ना, उसको पता नहीं क्या करना। कई बार बाप को भी बोल देता है, माँ को, और हम हंसते हैं। हम उसकी बात का कोई गुस्सा करता है, कोई उसकी बात का नहीं करता, क्योंकि हमें पता होता है कि यार ये बच्चा है। हम कह देते हैं ना, बच्चा है यार, कोई ऐसी बात नहीं है, नीड नॉट टू वरी, हम इग्नोर कर देते हैं, हमने देखा। तो यहाँ पर जब गुरु और बुद्ध की युति हो जाती है, तो ऐसा बंदा, यानी कि एक वृद्ध बंदा या ज्ञानी बंदा या एक लीडर बंदा, गुरु क्या है, एक सुलझा हुआ समझा हुआ बंदा भी कई बार ऐसी हरकतें करता है, दबंग हरकतें करता है, कि लोग जो कहते यार इससे दूर ही रहना, यार पता नहीं क्या इसके, जब मर्जी जो मर्जी बोल देता है, जब मर्जी जो मर्जी कर देता है, इसका दिमाग खराब ही है। दबंग यही होता है ना, कि किसी की नहीं सुननी, अपनी मर्जी करनी है। तो वो कहीं ना कहीं खुद को ओवर इंटेलिजेंट समझता है, मनमौजी होता है, अपने हिसाब से काम करता है। और ये युति का पहली निशानी। दूसरी जो है, अपने बाप का भी बाप, यानी कि अपने बाप का भी बाप। यहाँ पे बुद्ध आ गया। बुद्ध क्या है एक्चुअली? गुरु बुद्ध का जो है वो बाप है, आपको मालूम है। फादर बोलते हैं, स्टोरीज हैं कहीं, वो वैसे बुद्ध उसको मानता नहीं है। बुद्ध कहता है मेरा बाप ही नहीं है गुरु, गुरु उसको बेटा मानता है। तो अपने बाप का भी बाप यहाँ पर क्या है कि देखिए, दो ग्रह हैं। अगर गुरु ज्ञान का कारक है, तो बुद्ध बुद्धि का कारक है। और जहां पर अगर ज्ञान और बुद्धि दोनों इकट्ठा मिल जाए, तो वो कितनी अच्छी चीज होती है। ये इसका मतलब ये नहीं कि बाप का भी बाप, यानी कि इसका मतलब ये कि अगर अच्छी है तो ऐसा जातक अपने, ये कुछ जातक होते, कुछ बच्चे होते कहते इसने बाप का नाम रोशन किया, और ऐसा जातक जो होता है अपने बाप से भी आगे जाता है। यानी कि लोग उसके बाप को भूल जाते, वो कहते कि ये बंदा जो है, अच्छा आप उसके पिताजी हैं, हमें नहीं पता। लेकिन नहीं, नहीं तो लोग कहते ये उनका बेटा है, बाहर जाते ना वो कहते अच्छा ये आपके पिता। तो वो अपने बाप से भी ज्यादा फेमस हो जाता है, अपने बाप से भी ज्यादा उसकी इज्जत मान होता है समाज में। और इसका मतलब कि अपने बाप का भी बाप। दो शादियों के योग, यहाँ पर दो शादियों के योग क्यों आ गए? वही यहाँ पे ऐसे जातक की नेचर कई बार दबंग होती है और बचपना भी होता है, और उसकी वजह से वैसे भी जब गुरु बुद्ध के साथ में आ जाता है या बुद्ध गुरु के साथ आ जाता है, तो कई बार ये कहें कि ऐसा बंदा खुद को समझता कि मैं ही मैं हूं।
और ये नेगेटिव निशानियां हैं, अगर ऐसा हो तो फिर वाइफ के साथ नहीं बनती। तो जरूरी नहीं कि दो शादियां हो, यहाँ पर ये हो सकता है कि रिश्ता होकर टूट सकता है, पत्नी के साथ मतभेद या पत्नी के ऊपर अधिक डोमिनेंसी जैसे होती है, इस तरह के जो कंडीशंस हैं वो भी हो सकती हैं। आगे है बाथरूम में टाइम अधिक लगाता होगा। अब बाथरूम में टाइम अधिक क्यों लगाएगा भाई, सोचने वाली बात है। बाथरूम में इन कंबाइंड लेके चले आजकल हम की टॉयलेट वगैरह या बाथरूम में स्नान करने भी, आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते ना, तो जब हम भी बच्चे थे, बच्चों को वैसे ही ना कई बार बाथरूम में बड़े आकर्षित होते हैं, नहाते रहते हैं। अगर शावर हो तो शावर में कितनी कितनी देर नहाते रहेंगे, ये बच्चों की आदत है, शावर में कितनी कितनी देर नहाते रहेंगे। टॉयलेट में बैठ के आजकल के बच्चे वो आईपैड लेके बैठ जाएंगे, और मेरा बेटा, मैंने उसको गालियां लगाई, मैं आईपैड देता नहीं बच्चों को, और टॉयलेट में बैठा कई लोग ऐसे होते हैं, आपने फिल्मों में भी देखा होगा। यहाँ पे तो इंडिया में तो टॉयलेट्स हो रहे हैं, पर जिनके घर में दूसरी साफ सुथरी टॉयलेट्स है जैसे इंग्लिश सीट्स है, तो वो कई बार वैसे ही घुस जाएंगे टॉयलेट में, बैठ के किसी को फोन करते रहे, आजकल मोस्टली सभी करते हैं, वो मैसेज देखते रहेंगे, कुछ और स्टडी करते रहेंगे, मैगजीन पढ़ते रहेंगे लोगों के। और ऐसे ऐसे लोगों के घरों में आपने देखा होगा कि बाथरूम टॉयलेट में ये चीजें आम पड़ी होंगी, कोई मैगजीन होगी, कोई चीज पड़ी होगी। ये भी एक निशानी है कि इस तरह की जो वस्तुएं होती हैं कि टाइम पास की, वहां पर ज्ञान तो नहीं बोल सकते बट रीडिंग सॉर्ट ऑफ थिंग, यू नो, इवेंचुअली तो यहाँ उनको आदत होगी कि बाथरूम में जो है बाथरूम के काम कम करने, इधर उधर के ज्यादा काम करने। तो ये चीजें भी देखी गई हैं। और दांत पीले होते हैं, भाई मेरे भी दांत पीले हैं, पर मेरा कोई बुध और बृहस्पति का है नहीं, ये कई बार ना होता है, वैसे ही होता है, दांतों का कलर होता है। मैं गया डेंटिस्ट के पास, मैंने कहा भाई यार मेरे दांत पीले क्या करें, वो परेशान हो गया। मैंने कहा यार कोई साफ सुथरा कर, मैंने क्रीम भी वो इंटरनेट से मंगाई है, वो जो व्हाइट करती है, उसका भी कोई असर उसर नहीं हुआ। कहता भाई साहब कई बार ना नेचुरल कलर होता है चीज का, आप जैसे हम सामने हैं, तो कहता कोई इंजॉय करें उसमें कौन सी बात है। दांत पीले का कोई ऐसा ये निशानी का कुछ खास है नहीं, मोस्टली मैंने ये देखा है कि बृहस्पति कई बार किसी भी राहु के साथ हो, बुध के साथ हो, या बुध जो है वो राहु के साथ हो, या बुध केतु के साथ हो, वहां पर दांत जो है टेढ़े मेढ़े होंगे। दांत मंगल के साथ हो, एक्सक्यूज मी, बुध जो है वो दांतों का कारक है ना, मंगल के साथ हो तो जो दांत है वो टूटे होंगे। पर मोस्टली लाल किताब भी कह देते हैं जी अगर आपके दांत नहीं अच्छे तो आप लाइफ में कुछ कर नहीं सकते। और आप अगर देखेंगे, मैं हाँ दृष्टि से भी पॉसिबल है, किसी ने मैसेज किया उनको, वरुण मासो जी को जवाब दे रहा, आगे मैं बताता हूँ ये भी चीजें। मैंने कहा कि जो हमारी निशानियां उनको दृष्टि या राशियों के हिसाब से भी आप लेकर चल सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि दांत बिल्कुल भी सही नहीं है, और वो हीरोइंस बनी हुई है, वो काफी एंकर अच्छे बने हुए हैं, बोलते बड़ा अच्छा है। कई बार क्या होता है कि जब कोई प्लेनेट कहीं मार खा जाता है ना एक एरिए में, तो वो दूसरे एरिए में चमक जाता है। तो इस चीज को भी लेके चलना है, अगर बुध यहाँ पर दांतों के एरिए में मार खा गया, जैसे एक बच्चा होता है कई बार हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन है, जो बंदे ज्यादा अच्छा सोचने वाले मैथमेटिक में अच्छे होंगे, सोचने वाले टेक्निकल ब्रेन होगा, वो ड्राइंग में अच्छे नहीं होंगे। जो ड्राइंग में अच्छे होंगे, बहुत अच्छी ड्राइंग करेंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट बड़ा अच्छा करेंगे, मोस्टली जिन्होंने आर्ट्स लिया होगा आपने देखा उनका मैथ्स वीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लाइफ जो होती है वो हमको बैलेंस कर ही देती है। अगर ये एक चीज ज्यादा आ जाती है तो दूसरी कम हो जाती है। वो कहते ना हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। तो वही हिसाब है कि बुध का यहाँ पर दांत पीले होने से क्या मतलब है। बुध जो है दांतों का कारक है, और जो गुरु जो है वो येलो कलर के साथ लिंक्ड है। पर यहाँ पर एक और चीज बता दें, काफी लोग जो है वो ये बात को नहीं जानते, जो दांत जो है जो अटैक करने के काम आते हैं, जैसे हाथी के बाहर वाले दांत, केनाइंस होगी जानवरों की, वो बुध और मंगल के साथ भी लिंक्ड होते हैं। और जो ग्राइंडिंग करने वाले आते हैं, जैसे मोलर्स हो गए, प्री मोलर्स हो गए, प्री मोलर से जो एंड वाले जो अकल दांत होते हैं, वो बुध और शनि के साथ भी लिंक्ड होते हैं। वो काफी कईयों को कहते हैं ना कि 32 दांत और जल्दी आ जाए तो उनके लिए जो है वो बुध अच्छा होता है, ये भी कहते हैं।
तो दांतों पे चलो इतना नहीं करेंगे, वी आर नॉट डेंटिस्ट, कोई डेंटल फॉर्मूला हम यहाँ नहीं करेंगे, निशानियों की बात कर रहे हैं। जातक का जन्म जहां पर होगा वहां पर मकान के आसपास, घर के आसपास कोई ना कोई कोई इलेक्ट्रॉनिक की दुकान होगी। ये अब कैसे हुआ? देखिए आपको जितने भी, मैं किसी को भला बुरा नहीं कहता, आपको मोस्टली जब निशानियां बताने वाले वीडियो बड़े यूट्यूब पे, वो तोते की तरह रटी रटाई निशानियां बताएंगे और आप बोले लिखते जाएं, प्लीज अपने माइक को ऑफ कर ले, कोई क्वेश्चन ना पूछें। मैं ऐसा नहीं करता, मैं आपको लॉजिक साथ में देता हूं, समझाता हूं, आपको बताता हूं कि क्या रीजन हो सकता है। देखिए जब भी कोई ग्रह होते हैं ना, जहां पे मैंने उस दिन भी बताया था कि अगर मेरे बच्चे को स्कूल में कोई बुली कर रहा है तो उस दिन अगले दिन मैं क्या करूंगा, अपनी बीवी को भेज दूंगा, जा यार तो प्रिंसिपल के पास जाके आ, क्या हो रहा है, ठीक है कि नहीं? कहते ना स्पोर्टिंग नेचर, हमें हम कई, वैसे तो ये इंडियंस की आदत है कि बाहर भी कहीं जाना हो तो किसी को साथ में लेके चलते, यार गाड़ी वैसे जा रही है पीछे बैठ जा, चल मिले बंदे वहां पे ना सर चला गया फिर साथ। स्पोर्ट, हर इंसान क्या मांगता है, स्पोर्ट मांगता है, मांगता कि नहीं मांगता, स्पोर्ट मांगता है, चाहे कुछ भी बात ना करनी हो, चल यार चल मंदिर चले, दूसरे की एक कंपनी चाहिए। तो यहाँ पर जब गुरु और बुद्ध की युति आती है तो बुद्ध यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए स्पोर्ट किससे मांगेगा, राहु से, राहु से, शनि से, शुक्र से। तो यहाँ पर बेसिकली जब गुरु और बुद्ध मिलते हैं तो वैसे भी गुरु खुद भी पल्यूट हो जाता है, खराब हो जाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं घर के पास इलेक्ट्रॉनिक दुकान हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो होती हैं वो राहु और बुध की होती हैं, इलेक्ट्रिकल, बेसिकली हम राहु को मार के इलेक्ट्रॉनिक जो है राहु और बुध को, आपने देखा उसमें हर चीज जो होती है डिजिटल, उसमें एक क्वांटिटी होती है, एम्पलीफायर्स जैसे ट्रांजिस्टर्स यू नो गेट्स होते हैं उसमें, अगर जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की उनको उनको मालूम होगा इतनी गहराई में कि गेट्स होते हैं, डायोड्स होते हैं, ट्रायड्स होते हैं, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस होती, जर्मेनियम होता है, सिलिकन होता है, यूज होता है। और ये सारी चीजों में हम इतना नहीं जाते, मैंने आपको रीजन बता दिया कि क्या रीजन होता है स्पोर्ट के लिए, ग्रह अपने आप को घर के पास ये चीज होगी तो क्यों होगी, रीजन देखें, पूछे ना, क्वेश्चनिंग करें कि जो भी आपको ज्योति बता रहा है कि क्या रीजन हो सकता है कि ग्रह जब भी आते हैं तो कहीं ना कहीं बार वो अपनी स्पोर्ट लेके आते हैं, कई बार वो अपने दुश्मन का नुकसान कर देते, दो चीजें होती, कई बार वो अपने दुश्मन का नुकसान कर देते उसकी निशानी होगी, कई बार वो अपनी स्पोर्टिंग चीजें, अपनी स्पोर्टिंग वैल्यूज वो चीजें लेके आते हैं। आगे चलते हैं, यहां पर पैदा होते ही पिता को कोई ना कोई शारीरिक या मानसिक नुकसान हो सकता है, पैसे का नुकसान हो सकता है। ये इसलिए होता है अगर ये युति खराब हो, और देखिए ग्रह जरूर इफेक्ट करते हैं घर में, बच्चे के पिता को करेंगे, पिता के बच्चे को करेंगे, बहन के भाई को करेंगे, माँ के भी पुत्र को करेंगे, पुत्र के माँ को करेंगे, पर ओवरऑल जो रिजल्ट निकलता है आपकी अपनी कुंडली कितनी स्ट्रांग है उससे भी ये चीज देखनी पड़े। अगर पिता की कुंडली वीक होगी, यहाँ पर पिता का खुद का बृहस्पति खराब होगा, बुध खराब होगा, तो वहां पर इफेक्ट अधिक हो सकता है। अगर वो खुद सॉलिड पोजीशन में है, उसका खुद का होरोस्कोप अच्छा है, तो कई बार ये चीज जो होती है कैंसिल भी हो जाती है। तो मोस्टली हो सकता है कि पैसे का नुकसान हो जाए, मानसिक, मानसिक क्यों, बुध की वजह से शारीरिक क्यों, नर्व्स पैरालिसिस हो सकता है बंदे को। तो ये सारी चीजें जो होती हैं हो सकती हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हो सकती हैं, कि एस्ट्रोलॉजी इज प्रोबेबिलिटी, सूडो साइंस। तो यहाँ पर ऐसे जातकों को कई बार खुद को पीलिया भी हो सकता है, वो बृहस्पति की वजह से, आप समझ सकते हैं, इतना जरा डिफाइन करने की बात नहीं। और ऐसे जातक के घर में पीले रंग के खिलौने, टेडी बियर, बर्तन या पीतल के बर्तन, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब इसका लॉजिक क्या है? देखिए उस दिन मैंने बताया था कि खिलौने जो होते हैं बेसिकली हम लेते हैं केतु, और आर्टिफिशियल है तो उसमें राहु भी आ गया, आर्टिफिशियल होते ना कोई भी आर्टिफिशियल चीज, वो राहु भी आ गई। और यहाँ पर पीले रंग के टेडी बियर, जो चीज फलावट में है, फलाव में है, वो बृहस्पति की हो जाती है, और पीतल के बर्तन आप समझ ही गए वो बुध के साथ लिंक्ड है। तो ये सारी चीजें घर में मौजूद हो सकती हैं। किसी को थायराइड की बीमारी हो सकती है घर में या खुद को,
ये भी आप नॉर्मल चीज है, क्यों है वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का लिंक है उसके साथ। बुजुर्गों को सांस की तकलीफ, ये भी नॉर्मल है। आप समझ सकते हैं कि क्या जो है वो चीज वो किस लिए हो सकती है, बृहस्पति सांस का कारक है। अगर ये युति केंद्र में हो तो सक्सेस भी लाती है दोस्तों। यहाँ पे ना कुछ एक लगन है जो मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं, जो मेरी पर्सनल रिसर्च है वो लगन मैं लेकर चलता हूँ। धनु लगन, खासकर मीन लगन, मिथुन लगन, कन्या लगन। रीजन क्या है कि देखें ये लगन जब भी आते हैं ना तो मोस्टली दे ऑक्यूपाई अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द सेंटर। धनु लगन आ गया तो उसकी दूसरी राशि मीन राशि भी सेंटर में आ गई, समझ सकते ना आप। तो मिथुन लगन आ गया तो कहीं ना कहीं उसकी जो दूसरी राशि है वो भी सेंटर में वेल ऑक्यूपाइड पोजीशन पे आ गई। तो पर यहाँ पर अगर वैदिक के हिसाब से चले तो आपको पता होगा कि केंद्र आधिपत्य दोष भी लग जाता है। यहाँ पर ये युतियां कई बार पंच महापुरुष योग भी बनाते हैं। आपको पता होगा शशि योग, पंच महापुरुष योग, कि अगर केंद्र का शनि केंद्र में अपनी राशि में उच्च का हो, सब राशि का हो, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। यानी कि अगर ये युति केंद्र में हो तो मोस्ट प्रोबेबली ये सक्सेस भी लेकर आती है, जरूरी नहीं कि हमेशा नेगेटिव ही होती है। दुर्गा पूजा करें, गणेश पूजा करें, दो चार में ब्रह्म ज्ञानी भी होता है। खंड नंबर दो में हो, चार में हो तो ऐसा जातक ब्रह्म ज्ञानी भी होता है, वाणी से मंत्र मुग्ध करने वाला होता है। यानी कि बातें इसकी अब जो होगी वो काफी ही लॉजिकल भी होंगी, अच्छी भी होंगी, और दूसरों को जैसे जैसे अब देखे ना, अगर बुध अच्छा है यहाँ पर, गुरु और बुध एक तरह से क्या है, प्रेयर्स है, आरतियां है, वो स्तुति है ईश्वर की, तो कोई भी ये चीजें सुने। आप देखे जो रागी होते, पाठी होते, वो जब गाते ना, वो रिसेंटली बड़ा हुआ था कि यार ये क्यों इन्होंने कृष्ण पर गा दिया, पर मेरे को बड़ा अच्छा लगा था वो भजन, मैं बार बार सुनने लग पड़ा। वो किसी रागी जी ने कृष्ण पर भजन गाया था जन्माष्टमी पे लास्ट ईयर, बड़ा प्यारा प्यारा भजन था, कृष्णा तेरी मुरली ते दस भला कौन नचदा, पंजाबी में गाया था। तो यानी कि वाणी से मंत्र मुग्ध करने वाले होते हैं। पेट की समस्या रहती है, पेट में गैस वगैरह, पाचन तंत्र, जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती है ना वो भी बुध के साथ लिंक्ड है, और जो लीवर है वो बृहस्पति के साथ लिंक्ड है, जो इंटेस्टाइन है किसी ना किसी तरह से, वो सूर्य और बुध हमेशा एक साथ रहते हैं। ओवरऑल जो पेट है वो सूर्य के साथ, गर्मी है ना पेट में, पेट में गर्मी है ना, फिफ्थ हाउस इज लिंक्ड टू सॉर्ट ऑफ थिंग, तो पेट की आग, अग्नि, पेट की अग्नि, तो जो इंटेस्टाइन्स है वो, तो कई बार पेट में गैस की समस्या, पेट में अफारा सा जिसको बनना, वो भी चीजें हो सकती हैं। कई बार अगर ये युति खराब हो तो ऐसे जातक अपने आप को अच्छी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बात नहीं बता पाते, अगर खराब युति है तो जो कहना चाहते, जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो कई बार ये कर नहीं पाते। दुर्गा देवी की फोटो या मूर्ति घर में हो सकती है, ये सिंपल सी निशानी है क्योंकि उस चीज के साथ रिलेटेड है, धर्म है, तो माँ दुर्गा को आप साक्षात बुद्ध लेकर भी मान लें और साथ में बृहस्पति आ गया तो कोई दुर्गा का भक्त हो सकता है, कोई घर में दुर्गा की मूर्ति हो सकती है, तस्वीर हो सकती है, कोई ये हो कि घर के पास दुर्गा मंदिर हो, या किसी को दुर्गा मंदिर जाने का हो, या किसी ने दुर्गा मंदिर में कोई उसकी हो कि उसने मन्नत मांगी हो, वो घर के आसपास कोई जागरण लगाता हो हर साल, ऐसी ऐसी चीजें भी हो सकती हैं, आप मानकर चल सकते हैं। परिवार में किसी को पैरालिसिस हो सकता है, ये तभी जब खराब होगा यहाँ पे, तो बुध क्या है, वेन्स को अफेक्ट कर देगा, नर्व्स को अफेक्ट कर देगा। बहन से पैसे नहीं लेने चाहिए, मैंने बता चुका हूँ सिंपली कि क्यों नहीं लेने चाहिए, क्या कारण होता है पिछले एपिसोड्स में। तो आगे चलते हैं, बुध वनस्पति है, गुरु धर्म है, पौधे जो है वो मंदिर में लगाते रहना चाहिए। ऐसे जातक का बुध और गुरु की युति है, उसको चाहिए कि मंदिर में जाकर छोटे छोटे पौधे जो होते हैं, खासकर वो बुद्ध होते हैं, बड़े बड़े टॉल नहीं, और जैसे होता है ना ड्यूरेंटा जो बाड़ होती है, ग्रीन लीव्स, वो वाले गेंदे के फूल लगा सकता है, मंदिर की डेकोरेशन करवा सकता है, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनके साथ। तो यहाँ पर ये युति
अच्छा फल दे सकती है। आगे लिखा है सपनों का सौदागर, ओ मेरे सपनों के सौदागर। यहाँ पर बुध जब बुद्धि का कारक है, बृहस्पति जो है वो ज्ञान का कारक है, पर कई बार ऐसा जातक सपने ही देखता रहता है। बुध क्या बिजनेस कर, यार मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, बहुत सारा सपने देखता रहता है और उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, या किसी वजह से वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। खासकर ये खाना नंबर 12 में होता है, ये भी देखा गया है कि सोचता रहता है यार मैं बिजनेस करूंगा, रियलिटी में बिजनेस में सक्सेस जो है मुश्किल से मिलती है। 8 में हो तब भी ये हो जाता है, कुछ एक घर में, हर घर में नहीं तो कुछ एक घर में ये चीजें हो तो ऐसा हो सकता है। पैसे के चक्कर रहते हैं, अप एंड डाउन रहते हैं लाइफ में, यानी कि वो होते ही रहते हैं, वो हर किसी की लाइफ में होते हैं। कुछ ऐसी निशानी होती है हर किसी को बोल दो तो वो भी चल जाती है, कॉमन, जैसे मैंने कहा कॉमन निशानियां होती हैं। अगर अगर कोई नौजवान बंदा आए तो यार शादी की परेशानी है, काम की परेशानी है, लेडीज आए तो आपके बच्चे का कुछ प्रॉब्लम चल रही है जी, तो बंदा आए तो बीवी भाग गई आपकी, मायके चले गई है तो बंदा बेचारा तभी आएगा, मुंह उसका उतरा हो है या कामकाज नहीं सेट हो रहा, तो कुछ एक ऐसी निशानियां होती हैं जो बंदा सोच समझ कर भी लगा दे तो कई बार लग जाती है। तो ये क्या प्रोबेबिलिटी है ज्योतिष, मैंने कहा हमेशा ही कहता हूँ ऐसे जातक की, कई बार ये मैंने खुद देखा, हमारी फैमिली में दूर में हुआ था, उनका भी बुध गुरु की युति है, तो ये मैंने उस टाइम मजाद की थी, वेरीफाई कीजिएगा, मैंने काफी लोगों में कुंडलियों में देखी है बात, ये उन्होंने कहा कि यस है तो मैंने इसको एज ए निशानी लिख लिया, तो आप भी वेरीफाई कीजिएगा। बहन की शादी कई बार बाजे गाजे से नहीं होती, सिंपल हो जाती है, मतलब ये हो जाता है कि आगे वाले कह देते नहीं यार हमें सिंपल मैरिज करनी है, या कुछ ऐसे इंसिडेंट है कि वो योग बन जाता है कि सिंपल मैरिज करनी है, या जी सुमित कलसी जी बताए आप। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बस ठीक है रोहित भैया। भैया लगता है आज सारी क्लास मेरे रिगार्डिंग ही है, गुरु बुद्ध दास। अच्छा अच्छा अच्छा। एक-एक चीज, मतलब एक-एक चीज जिसको आप बोल सकते हो ना, एक-एक अभी तक जो लफ्ज आपने बोले हैं सारे जी, के जी, सारे बिल्कुल 100% मतलब मेरे पे अप्लाई हुए। मेरे फादर 1984 में दिल्ली क्राइसिस में मेंटली अपसेट हो गए, 79 में बॉर्न हूँ, उसके बाद उनको वो मेंटली फिट्स आने लग गए थे। अच्छा ठीक, तो वही आपने जो बोला कि है ना किसी को मेंटली होता है और जो नेम और फेम ज्ञान बहुत मिलता है। हाँ यस, मैंने बहुत सारे मतलब नेम और फेम मुझे मेरी लाइफ में बहुत मिला। बहन की शादी अभी आपने बोली, यस मेरी मेरे से जो छोटी वाली सिस्टर है उसकी शादी सिंपल हुई थी, क्योंकि लड़के की सेकंड मैरिज थी तो वो लोग नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से कोई जोर शोर से हम करें, तो सिंपल मैरिज हुई थी। जी 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 जी, थैंक यू बहुत बहुत आपका फीडबैक देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन, थैंक यू। नहीं नहीं रोहित भैया, मतलब हम एक्चुअली मतलब बिल्कुल आज बिल्कुल आपके सामने पहली बार आके बोलने का मौका मिला है, विश्वास करना मतलब हाथ किसी बंदे के लिए ऐसे जुड़ते हैं ना वो पर्सन आप हो, सच्ची में कह रही हूँ। मतलब मैं ये बात आपके आगे पीछे मतलब बहुत बार बोलती हूँ, बड़े दानी देखे पर ऐसा दानवीर नहीं देखा, नहीं मेरे से ऊपर करण है कि मैं तो नहीं, नहीं। सच्ची में मतलब जो आप कर रहे हो ना और जितना ज्ञान आप दे रहे हो कोई नहीं दे ही नहीं सकता, मतलब दुनिया पैसे के पीछे लगी हुई है। जी जी तो, जी मतलब वो तो हम मतलब हमें मतलब एक गुरु चाहिए था, मिल गया और भाई भी मिल गया, टू इन वन कॉम्बिनेशन है। आई एग्री सर। तो मैंने आपको कई चीजें नेम और फेम में बोली नहीं है, मतलब मैं इवन और इसको हम इलैबोरेट कर सकते हैं ज्ञान, और मैं जो ये आप बोल रहे हो ना, मैं कई बार कंफ्यूज नहीं एक्चुअली बोर हो जाती हूँ। उस दिन चंद्रमा 3 के रिगार्डिंग मैंने बोला था ना, इट्स माय फोर्थ प्रोफेशन, एक्चुअली मैं जिस भी चीज में हाथ डालती हूँ 100/100 उसमें मैं मतलब विनिंग सिचुएशन में ही निकलती हूँ। कोई भी चीज मैंने ज्वाइन करी उसमें बहुत अच्छा अचीव करके फिर मैं बोर हो जाती हूँ कि अब मैं बोर हो गई हूँ, अब नहीं मुझे ये करना, तो ये गुरु बुद्ध शायद वो आपको देते अप एंड डाउन देता रहता है। और जो ये आप स्पीच की क्वालिटी बोल रहे हो ना, अभी तो चल हम क्लास में ऐसे बैठे हैं बट जब भी मैं स्टेज पे होती हूँ ना तो मतलब मेरे जो क्लीग्स होते थे तो वो हंसते होते थे, मतलब हुन माइक सुमित दे हाथ आ गया, हुन किसे होर दीवारी नहीं आन लगी। तो ये चीज है ना रहती है, एक एक चीज सही है, एक एक चीज सही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
जी प्रिया पठानिया जी आप बताएं। सर मैं भी बस दीदी के कह रही थी, मैं जो दीदी कह रहे हैं मैं एग्री हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके बारे में। एक एक वर्ड हम रोज यही बात करते हैं कि हमने बहुत एस्ट्रोलॉजी सीखी, आपकी तरफ कोई नहीं देखा हमने सीरियसली। अगर हमारे हाथ दिल से जुड़ते सिर्फ आपके आगे, आज हम जो भी हमारे लाइफ चेंज सिर्फ आपकी वजह से एक महीने के अंदर। थैंक यू सो मच, जो हम थे हमने आपसे मिलने के बाद पहचाना कि हम क्या हैं, क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच, ईश्वर ईश्वर का धन्यवाद। जी मनीष शर्मा जी आप बताएं। राम राम प्रभु जी। राम राम जी। जैसे गुरु बुद्ध की युति मारे भी बार में स्थान में जैसे बोल रहे हैं ना, तो हिचकिचाहट सी होती कई बार, वो चीज पता होता लेकिन वो जाहिर नहीं कर पाते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जैसे नसों की दिक्कत बताई थी, जैसे वो मेरे पिता के भी थी मेरे भी है। जी जी चले आगे उपाय आएंगे, हम कुछ करेंगे इसको और देखते आगे, और फिर वो उपाय करने के बाद हम इसको देखते कि क्या और बेनिफिशियल चीजें। प्रीति जैन जी आप बताएं। नमस्कार सर। सर गुरु बुद्ध की युति अगर मैं कहूँ, मेरे ब्रदर की भी है, सूर्य गुरु बुद्ध की है। जी जी। तो ना वो जैसे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में है, तो वो गवर्नमेंट जॉब में है ना, पीएसपीसीएल में। तो देखा है आपने, बोला था इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में। मेरा एक मेरे ना बड़े बेटे के ना पंचायत बैठी हुई है 9th हाउस में, उसमें सूर्य गुरु मंगल बुध राहु उसकी पंचायत बैठी है। तो उसकी भी जैसे आप कह रहे हैं ना कि बाथरूम में टाइम लगाता है, वो सब बाथरूम में मोबाइल ले जाएगा, बैठा रहेगा कई बारी, बैठा रहेगा कई बारी। सेम हियर भैया, सेम हियर। और उसके दांत भी थोड़े येलो है, बहुत टाइम लगाती हूं शावर के नीचे। अच्छा जी, बोलना बोलना आप भी, उसके बोलने से बड़े अट्रैक्ट होते हैं लोग। जी जी बड़ी अच्छी सुमित कलसी जी ने एक बात और वेरीफाई कर दी। धन्यवाद। बाथरूम में भैया एक्चुअली पता है क्या, मैं हाँ मोबाइल नहीं लेके जाती, बट यस अभी भी जैसे अभी ये जो क्लास हुई है या सारे दिन का, वो रिपीट मुझे शावर के नीचे ही मुझे करना होता है। बहुत सारे आइडियाज पता नहीं शावर के नीचे क्यों आते हैं। अच्छी बात। अच्छा एक और कंफर्म करती हूँ, जो अभी आपने माता का भगत बोला, लास्ट ईयर तक मतलब मेरी पूरी रूटीन, ये पूरी लाइफ टाइम की रूटीन रही है। आज मैं 44 इयर्स की हूँ। मुझे मतलब जब से होश संभाली 17-18 साल की थी, दुर्गा सप्तशती का पाठ मैं रूटीन में करती ही करती थी। और 4-5 साल से अब लगातार हर महीने माँ चमंडा देवी और बगला मुक्ति के मुझे जाना। सो ये भी सर घर में जैसे पैरालिसिस भी हुआ था और थायराइड भी है इसकी दादी को, मतलब वो सारी बैटिंग लग रही है। यहाँ पे मैं अब आपको एक चीज बताऊंगा, 2 मिनट लीजिएगा मेरे को, मैं बाकी के प्रश्न दूंगा। मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहता हूँ सुमित कलसी जी का। यहाँ पे देखे निशानियां कैसे बनती हैं। अब लोग कहते हैं कि ये काफी लोग ना रटाई बातें करते हैं, पर मैं लॉजिक के साथ जैसे ऐसे अभी एक और निशानी बन गई, पता नहीं मैं लिख पाऊं कि ना लिख पाऊं, कई बार नहीं लिखता, मेरा प्रोफेशन नहीं है, पर यहाँ पे मैं बोल देता हूँ ताकि लोगों के काम आ सके। बड़ी अच्छी निशानी और उत्तम निशानी यहाँ पर बन गई ऑटोमेटिकली। एग्जीक्यूट कैसे होगी, सुमित कलसी जी ने बता दिया, इनडायरेक्टली बता दिया। देखिये बुद्ध क्या है, गॉडेस दुर्गा, मां बगला मुखी येलो कलर। तो यहां पर मां दुर्गा से भी बेटर है कि अगर ऐसा जातक बगला मुखी के मंदिर जाता रहे और सेवा करता रहे और गुणगान करता रहे। आपने देखा भी होगा उन्होंने दुश्मनों की जीभ पकड़ी हुई है। तो निशानियां ऐसे बनती हैं, पर जैसे हमने देखा कि 2-3 क्लास लगाने के बाद काफी लोग अपने निशानियां निकालने लग पड़े, तो मेरी हाथ जोड़कर एक विनती है कि कोई निशानी निकालने से पहले उसको 2-3 बार आप सोच लें, समझ लें उसके जो बेनिफिट है क्या, उसका कलर है, शेप क्या है, कलर शेप कौन सी चीज उसको डोमिनेट कर रही है, कौन सी चीज नहीं डोमिनेट कर रही। यहाँ पर जो येलो कलर है वो डोमिनेट कर रहा है माँ बगलामुखी को, बुद्ध दुर्गा। तो ये बहुत ही अच्छा, ये भी एक निशानी आ गई, एक रेमेडी आ गई, सॉरी निशानी नहीं बोलूंगा मैं, रेमेडी बोलूंगा, सॉर्ट ऑफ की एक रेमेडी। सबसे अच्छी और बेहतरीन रेमेडी ये है कि यहाँ पर ऐसा जातक माँ बगला मुखी की सेवा अर्चना
भी कर सकता है और ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। इसी में थोड़ा सा एक और छोटा सा फिर फीडबैक दूंगी। जी जी। मैंने अभी आपको बताया कि पिछले 4-5 साल से ये मेरा रूटीन है, तो आपको याद होगा मैंने आपको टेक्स्ट मैसेज करा था कि मेरे हस्बैंड की हेल्थ ही एक्चुअली मेरा एस्ट्रोलॉजी में आने का रीजन बनी थी। जी जी। तो सडन ऑफ वही होता है ना कोई डिवाइन गाइडेंस आपको होती है। मेरे अंदर से एक आवाज थी, मैंने सडन ऑफ मतलब के खुद ही, क्योंकि जितने एस्ट्रोलॉजर्स के पास जब आप घूमते हो तो वो लोग आपके हवन करवाते, तो मैं ना मतलब वो होता ना कि थोड़ा ऐसी सोच की हूं कि इसके पाठ करने से क्या होगा, अगर मेरे पाठ खुद माता रानी अगर ना स्वीकार करे तो मैं ऐसी है ना सोच वाली थी। तो मैंने खुद ही मैं क्या मतलब मैं किसे तो पाठ पूजा नहीं करवाना, मैंने खुद ही जाना शुरू कर दिया। तो बगलामुखी जाती थी तो फिर साथ में चमंडा देवी, मतलब मेरा शुरू से एक विश्वास है। तो हस्बैंड एक्चुअली वेदांता 3 महीने एडमिट थे, मौत के मुंह से वो निकले और उसके बाद जिंदगी में अब मतलब बहुत सब कुछ ठीक है, ग्रोथ है आगे से। तो ये एक्चुअली जो भी जो करेगा रेमेडी तो उसको बहुत फर्क आएगा। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी जो रेमेडी है इनडायरेक्टली। और देखिए ऐसे ही निशानियां बनती है, ऐसे ही बैटिंग बनती है, लोग कहते हैं पता नहीं कैसे बनती है, कई बार तो मेरा मजाक भी उड़ाते किल्ली भी उड़ाते, पर सच्चाई सच्चाई है। अच्छे इंसान का मजाक उड़ाया जाता है, अच्छे इंसान पर ही क्वेश्चनिंग की जाती है और यही लाइफ है, क्योंकि सच्चाई को ही अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, झूठ को जरूरत नहीं होती प्रूव करने की। कोई कहता है झूठ को प्रूव करो, झूठ को लोग मान लेते हैं, और प्रूव किसको करना पड़ता है बंदे को, सच्चाई को। तो ये सच्चाई इम्तिहान लेती है। सरिता पांडे जी आपने हाथ रेस किया था, बताए मेरी बहन आप बताए, अनम्यूट कर ले। भैया मेरे बेटे का है बुध और गुरु, साथ में सूर्य भी है और मंगल भी है 10th हाउस में, मतलब फर्स्ट लाइन से जब आपने बोलना शुरू किया, बस एक शादी का है जो अभी उसका तो कुछ मतलब अभी नई शादी हुई है, बाकी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नहीं लगी। उसका जन्म भी दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ और हमारे घर में दुर्गा अष्टमी को कीर्तन होता है हर साल, बच्चा नवरात्रि के मतलब अष्टमी को ही पैदा हुआ। और हम जब वो हुआ तो उसकी तबीयत खराब हुई, हमने फिर वहां पे मन्नत मांगी थी और वहां जाते ही जाते हैं, वो भी जाता है और हम लोग भी जाते हैं, और मूर्ति भी रखी हुई है। पहली चीज आपने बोली कि घर में कोई दबंग रहता है, वाकई हमारे घर में है जो जिनकी चलती है, बस वो बोल दिए तो सब सोचते हैं कि अब इन्होंने बोल दिया तो बस अब ये बात कट नहीं सकती है। उसके बाद बाथरूम में टाइम अधिक लगाते हैं, हाँ लगाता है, मतलब सुबह जैसे वो नेवी में है कमांडर है, लेकिन वो जब सुबह उसको जाना है बाथरूम में उसके पास टाइम नहीं है, पेपर लेके जाना है मोबाइल लेके जाना है, बस वो 10 मिनट का टाइम ही रहता है जो वही टाइम देना है। उसके बाद आपने बोला कि जैसे उसके पीलिया हो सकता है, हाँ उसको भी जॉन्डिस हुआ था हमारे घर में, सबको जॉन्डिस एक बार हो गया। उसके बाद आपने बोला कि सांस की प्रॉब्लम रहती है, हमारे ससुर जी को सांस की प्रॉब्लम हुई, हमारी सासू माँ को थायराइड की प्रॉब्लम, मतलब मैं क्या ही बोलूं, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नहीं लगती है। ऊपर वाले का क्योंकि 10th हाउस में है, 10th हाउस में है, उसने 12th भी नहीं पास करा था तो भी उसका एनईए में क्लियर हो गया था, तो वो तभी से चला गया। मैं फर्स्ट टाइम से सुन रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मतलब सारा कुछ स्टोरी चल रही है, बल्कि जैसे उस दिन किसी ने कहा कि आप हमारे घर में घुसे, एक युति से केवल पूरी कुंडली डिस्क्लोज हो गई सच में। जी क्या बोलूं, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जोशी जी आपने काफी देर से हाथ रेज किया हुआ है, आप बताए प्रश्न। सर मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, जैसे अभी 2 कुंडली बोली गई कि वहाँ पे गुरु बुद्ध की युक्ति के साथ सूरज भी है, तो मेरे भी गुरु बुद्ध की युक्ति के साथ 5वें घर में सूरज है सर, ऐसे में ये बिल मुकाबिल की कुंडली भी बन जाएगी, जैसे बुद्ध जो सूर्य का मित्र है पर गुरु का एक तरह से शत्रु है, और गुरु और सूर्य भी मित्र है, मतलब एक घर में सूर्य दो मतलब ऐसा मित्र इकट्ठे हो गए जो आपस में बैरी है, तो ये बिल मुकाबिल की कुंडली बन जाएगी आई थिंक। और ऐसे पर्सन की जिंदगी में या बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस भी होती है। जी देखिए बहुत अच्छी बात कही आपने, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा। वैसे तो देखिए कि ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, अंधी कुंडली का भी डिस्कस करेंगे। मोस्टली मैं आपको बताऊं कि जब भी बुध सूर्य के साथ आ जाता है ना, अगर कि सूर्य बुध 9th में भी हो
तो बुध जो है शांत रहता, कुछ कर नहीं पाता, शरारत नहीं कर पाता। एक बच्चा अपने पिता के साथ है तो कोई शरारत नहीं कर पाएगा, तो ये भी चीज हो जाती है। दूसरा दूसरा यहाँ पर ये कर दो आपको नॉइज़ ये थोड़ा पीछे। दूसरा दूसरा ये होता है कि जैसे कि अब सूर्य जो है वो परम मित्र है गुरु का, और बुध की वहां पर क्या हिमाकत है, तो यहाँ पर ये अंधी कुंडली या जो भी आप बोल रहे हैं वो चीजें नहीं होंगी। यहाँ पे ये प्रॉस्पेरिटी ही देगा, अच्छा ही देगा, मान सम्मान राज दरबार काफी अच्छा होगा। आगे हमारे पास जब हम तीन ग्रहों की युति करेंगे, चार ग्रहों की युति करेंगे, तो उसमें भी ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। दीपक पोदर जी, आपको कुछ पूछना था? प्रभु जी हम जल्दी आगे चले, फिर समय की कमी है, बताएं प्रभु जी। जय माता दी सर। मेरे बच्चे के बेटे और बेटी दोनों की युतियों में है और दृष्टियां देख रही है और एक एक लाइन एकदम मैच कर रही है। जी जी, एकदम एक एक लाइन ही मैच कर रही है। और मेरी कुंडली में 10th हाउस में गुरु है और 9th हाउस में बुध है, ये यहाँ पे दोनों अपोजिट है, वो भी एकदम वहां पे भी मैच कर रही है। जी जी, और उसी तरीके से मैं एक्सप्रेसिव भी नहीं हूँ। जी जी, बड़ी अच्छी बात कही। तो 9th 10th में सांझी दीवार भी आ गया, वैसे भी बुध 9th में हो गया तो उसके पक्के घर में भी होगा ना, थोड़ा थोड़ा सा इफेक्ट वो भी दे देगा। एक राशि के साथ सर, इसलिए और प्रश्न मंगल के साथ हो गया ना। जी जी, तो अच्छी बात है। चलो आपको मिल रहे सभी को, आज चार पांच लोगों ने वेरीफाई कर दिया। आगे चलते हैं। आगे जो है जो निशानी है, बातों का खजाना बहुत होता है। यानी कि मैंने हमेशा कहा कि बृहस्पति क्या है, मल्टीप्लायर है। मैं शुरू से जब से ये युति चली है मैं हमेशा ये कह रहा हूँ कि बृहस्पति एक एक्सपेंशन है, प्रॉस्पेरिटी है, मल्टीप्लायर है। तो कहीं ना कहीं ये जो है बुध क्या है, कम्युनिकेशन है। ऐसे लोग कम्युनिकेशन के बड़े ना आतुर होते हैं कि यार मैं जैसे सुमित कलसी ने माइक मेरे को पकड़ा दो यार, आई वांट कंट्रोल दिस, मैं पकड़ दूं, मैं ही बोलूं बस बस। ऐसे अच्छे प्रवक्ता भी होते हैं बहुत, ये युति अच्छी हो तो स्टेज बड़ी अच्छी संभालते हैं, लोग बैठे होते हैं, पंडाल सजे होते हैं, बड़े अच्छे अच्छे प्रवचन करते हैं। एक बात शुरू होती, दूसरी खत्म होती, दूसरी शुरू होगी, दूसरी खत्म हुई, तीसरी शुरू होगी, बस बातें खत्म ही नहीं होनी, बंदा बोर भी नहीं होने देते। तो ये भी युति के पॉजिटिव जो है वो चीज है। ऐसा जहां तक धर्म में रहे तो ठीक है, वो आपको पता है कि धर्म में रहे जो है शनि के मंदे कामना, वो बार बार वही चीजें हम रिपीट करें तो हर किसी के लिए, वैसे तो धर्म में रहना अच्छी बात है ना हर किसी के लिए। जीभ का स्वाद ना पाले वही है। तो बहन की लाइफ शादीशुदा पत्नी की सेहत खराब हो सकती है, तो स्पाउस की सेहत कई बार थोड़ा सा खराब हो सकती है, बहन की लाइफ कई बार या शादी दूर हो जाती, मैं हमेशा कहता हूँ ये चीजें हो सकती है। कामकाज में खराबी के योग, तो कामकाज में डिस्टर्बेंसेस, जैसे मैंने वेरीफाई कर दिया कि एक काम पकड़ा दूसरा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, क्योंकि बुध जो है ना यहाँ पे बुध एक पारा है तो वो कंट्रोल नहीं होता। आपने देखा ना वो, उसको वो कभी इधर हो जाएगा कभी उधर हो जाएगा। आपने देखा थर्मामीटर जब टूटता तो जो पारा होता है ना मर्करी होता है, इधर उधर उधर भागने लग पड़ता है और जुड़ता भी नहीं है। तो ये सारी चीजें संभव होती हैं। अगर ये युति खराब हो, अगर ये युति खराब हो तो ऐसी कंडीशन में, जैसे कि 12 में जैसे बोला मनीष जी ने, 8 में भी, कई बार 6 में भी, पर 6 में इतनी बुरी नहीं देखी मैंने, मेरे दोस्त के पिज्जा स्टोर है यहाँ पे, वो तो उसकी सारी जिंदगी एक खाली मटके की तरह होगी। मटका आप समझ गए बुध, तो खाली मटका मीन्स कि उसमें हवा ही है, हवा जो होती ना मटके में, हवा भी होती खाली मटका भी होता है, तो सारी जिंदगी एक खाली मटके की तरह होगी। तो इसमें कुछ लोग उपाय करवाते हैं कि एक खाली कोरा मटका जो है वो जल प्रवाह करवा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब वो डिल्यूट होता है पानी में तो वो पताल में चले जाता है। बुध एक्चुअली खाना 6 में चले जाता है और जो बृहस्पति की हवा है वो आजाद हो जाती, पानी के साथ मिल गया बृहस्पति, वो उच्च हो गया और बुध जो है एक्चुअली वो डिजोल्व होके मिट्टी बह जाएगी ना उसके नीचे जमीन में, चाहे थोड़ा देर तो चले पानी के रश, इवेंचुअली इट विल सेटल डाउन इनटू देयर। तो ये सारी चीजें जो होती है ये लॉजिक होते हैं उपाय के। कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि यार इसमें क्या लॉजिक है, ये मटका जो जल प्रवाह करवाते हैं, कच्चा करवाना है पक्का करवाना है, वो सारी जो चीजें हैं आपको आज जो है वो भी चीज क्लियर करवा दी। कामकाज होंगे पर संतुष्टि नहीं होगी, कामकाज कई बार बहुत होते हैं। अगर बिजनेस करता हो बहुत सारे बिजनेस करेगा,
मल्टीपल डायनामिक पर्सनैलिटी, इसकी बंदे की ये बोल सकते हैं कि मल्टीपल पर्सनैलिटी, डायनामिक पर्सनैलिटी, पर सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी कम हो जाती है। आगे है कि ऐसे इंसान के पिता का दम घुटने से, सांस फूलने से, अचानक बेहोश होकर गिरना भी होता है। तो फैमिली में खासकर पिता, बाबा, किसी को ऐसा इंसिडेंट हो सकता है कि अचानक उसको चोक, जैसे कहते हैं चोक, गला किसी का बच्चे का चोक हो जाता है, इसका खुद भी हो सकता है। हमारे उधर हुआ था, उसने मूंगफली फंसा ली थी और कई बार कहते ना गला चोक हो गया, सांस रुक गई, दम घुट गया यार, तो ये चीजें भी हो सकती हैं। मैं हमेशा यही कहता हूँ, हो सकती है कि प्रॉबिबिलिटी इज देयर। अगर ये युति खराब हो तो आपका काम काज जो होता है ना 99 पर जाकर फेल हो जाता, अटक जाता, रुक जाता, होल्ड जाता। सारा बड़ा बहुत अच्छा चल रहा था एंड जब एंड होने वाला है तो तब वो काम काम का ही एंड हो जाता है। तो ये भी युति के बुरी के लक्षण है। इंसान के घर में नसों की बीमारी, नसों पर नस चढ़ना, जैसे होता है ना नर्व पे नर्व चढ़ जाती है, कई बार सोते वो सुबह उठते यार मेरी ना ये गर्दन की जो नर्व है ये सर्वाइकल भी हो सकता है कई बार अगर खराब हो ऐसे बंदों को। हाँ जी हाँ जी, वो भी सारा कुछ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्रैम्स जो होते हैं तो ये भी चीजें हो सकती हैं। जो वेरिकोस नर्व है वो भी हो सकता है, मोस्टली सर्वाइकल मैंने इसलिए यूज किया, जो गर्दन है वो बृहस्पति को भी हम मानकर चलते हैं। तो ऐसे बंदे के घर में जो है वो देखिए, यहाँ पर बुध जो है वो ग्रीन है और जो बृहस्पति है वो धर्म है, तो कोई मकबरा पीर की जगह की फोटो भी घर में हो सकती है, तो ये भी चीज होती है। कई बार युति खराब हो तो ऐसे बंदे का चलता हुआ काम अचानक रुक जाता है, उसे समझ में नहीं आता, सोचता ही रहता है कि व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ, किसके कारण हुआ, उसको समझ में ही नहीं आता कि एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी गुड, लाइफ वाज फ्लोइंग वेरी गुड, मनी वाज फ्लोइंग वेरी गुड, सब कुछ आ रहा था एंड सडनली इट हॉल्टेड, स्टॉप हो गया, क्या हो गया। तो जरा सोचना नहीं चाहिए, उपाय करने चाहिए। ऐसा जाता कई बार अगर युति खराब हो तो अपने दादा को नहीं देख पाता, या बहुत कम इसकी उम्र में दादाजी की डेथ हो जाती, जब ये होश नहीं संभाली होगी, 8 साल 10 साल 12 साल तक बच्चा होश नहीं संभाल पाता, इतना उसको समझ नहीं होती ना। तो जैसे वो कहते कि यार मेरे को याद, मैंने छोटा था जब दादाजी की जब डेथ होगी मैं जरा उनको देख नहीं पाया, तो ये भी चीजें हो सकती है। दूसरी, अगर ये युति खराब हो तो कई बार ऐसे जातक को ना बृहस्पति के यहाँ सोना है, सोने की कदर नहीं होती, वैल्यू नहीं होती गोल्ड की, वो गोल्ड लेगा नहीं, गोल्ड का शौक ही नहीं होगा, क्या यार मेरे को नहीं पहना, या व्हाइट गोल्ड ले लेगा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले लेगा, ठीक है कि यार पहननी आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले लेगा, इसके बजाय यार मैं हार को क्या करूं, मैं आईफोन ले लूंगी, iPhone 14 आने वाला है, मैंने वो सोने के हार पहन के रोज बाहर थोड़ी निकलना, मैं गाड़ी लूंगी अच्छी। तो कई बार इस तरह की भी नेचर हो जाती है कि गोल्ड की वैल्यू, गोल्ड की कदर नहीं करता, गोल्ड चोरी हो जाता है, बिक जाता है, ये सारी चीजें भी हो सकती है। या ऐसा हो सकता है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बड़ा शौकीन हो ऐसा बंदा, जहां भी फंक्शन में जाए रादर देन वेयरिंग गोल्ड वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो उसको वेयर करे, ज्वेलरी जो है उसकी आर्टिफिशियल हो, लोग प्रशंसा भी करें। अगर खराब हो तो पिता से संबंध भी खराब हो सकते हैं, सुख में कमी हो सकती। बृहस्पति किस्मत, अगर ये युति खराब हो तो कई बार किस्मत आपका साथ नहीं देती, जैसा मैंने बोला ना 99 पे आके काम रुक जाता है। कोई बिजनेस होगा, बिजनेस आपने चलाया, अच्छा चला बुध की वजह से, पर कहीं ना कहीं किस्मत ने साथ नहीं दिया, किसी ने कंप्लेंट कर दी आपकी, कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ ऐसी इंक्वायरी आ गई, उसकी वजह से काम काज जो है आपका डिस्टर्ब हो गया। आगे है पिता या ससुर, दोनों में से एक की सेहत खराब रहती है, या तो ससुर की सेहत खराब रहेगी या पिता की रहेगी, या उससे दूरी हो जाएगी, ससुर दूर हो जाएगा या पता, अगर सेहत नहीं खराब तो कई तरह मन मुटाव हो जाता है, दूरी हो जाती है, एनीथिंग यू कैन टेक इट। तो बैटिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, वो आपको सोचना है कि कैसे करना है। ऐसे बंदे के घर में तुलसी का पौधा हो सकता है, वो आप समझ सकते हैं क्योंकि तुलसी इज बुध एंड बृहस्पति। अमरूद का पेड़ हो सकता है, अमरूद खाने का शौकीन हो सकता है, ये भी हो सकता है। पिता से विवाद चलता रहता है ये जब खराब हो, अगर ये खराब हो तो ऐसा जातक ना साधु संत फकीर अघोरी तांत्रिकों के संपर्क में आ जाता है, पैसे अपने खराब करवा लेता है, मेरा ये काम रुक गया, बननी मैं ये सीख लूं, मैं वो सीख लूं। तो कई बार वो जैसे आज ही बात हुई कि 3-3-4-4 लाख रुपए दिए और आया कुछ भी नहीं, तो कई बार ऐसा जातक जो होता है
इनके चक्करों में आके देखना आपने कि यार ये कर लूं वो कर लूं, पैसा बहुत वेस्ट कर देता है और काम फिर भी नहीं बनता। ऐसे जा तक के घर में कई बार खंडित मूर्तियां होंगी या कोई कोई धार्मिक ग्रंथ जिनकी जो फ्रंट कवर होगा, जो जल्द होती है, जो मेन कवर होता है वो फटा होता है, वो टॉर्न होता है, उसका पीस एक जो होता है वो गुम हुआ होता है, ये भी हो सकता है। अगर ये हो तो ऐसे जातक को चाहिए कि ना रखे। चंद्रशेखर जी आप बड़ी देर बाद आज बोले, बताएं। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम मेरे मालिक, प्रणाम, कैसे हैं आप? सर ये सर बढ़िया है सर। हाँ जी। और ये साधु संत घोरी वाला जो चक्कर है ना, ये आप ठीक कह रहे हैं। इसके एक हमारा ये हमारे किसी क्लाइंट का कोई है, उसकी मिथुन लग्न में बृहस्पति है जी जी। और वो मुझे पता नहीं कैसे कैसे, मैं जब उस टाइम जीएसटी रजिस्ट्रेशन फ्री करता था तो वो मुझे मिल गया, तो वहां जाके मुझे पता लगा तो ये तो फंस गया कहीं कंप्यूटर से जी जी। मैंने उसको बोला भाई तू कहां चक्कर में फंसा हुआ है, निकल जी। तो उसको निकाला, ये वो पड़ा हुआ था, बहुत महान महान व्यक्तियों और महान महान लोगों ने उनको उसको और सर मैं हूँ मजदूर तो मेरे को ना हंसू तो हंसने दिया करो, एक हंसी बच गई मेरे पास, बाकी तो कुछ है नहीं। मैं हूँ शनि चंद्र वाला, अब यही बचा है हंसी। चले ठीक है सर, बढ़िया, ओके सर, बहुत देर बाद सर, बात ही अच्छा लगा। तो आगे देखिए, आगे बात करते हैं। देखिए बुध जो है, आपको पता है बुध क्या है, राख है, पाउडर है, कोई भी पाउडर फॉर्म में चीज जो है उसको हम बुध लेकर मानते। तो यहाँ पर अगर ये युति खराब हो तो ऐसे जातक को ना जो भस्म होती है जैसे, या भभूतियां होती हैं, आपने देखा होगा कि कई बार वो भभूति ले आते फोर हेड पे लगा लेते हैं या घर में रख लेते हैं मंदिर में, या कई बार वो होता है ना लो भस्म, स्वर्ण भस्म, उसके चूर्ण या वो चीजें घर में रखी होती हैं मेडिसिन के रूप में, तो ये भी चीजें निकल आती हैं कई बार। जुबान से बातें अच्छी करता है, बड़ा ज्ञानवान होता है, तो वो जब बोलता है बंदा, आपको पता है बुध बृहस्पति वाला, कई बार बातें उसकी अच्छी लगेंगी, ज्ञान भी होगा बातों में और स्वाद भी आएगा, तो कथावाचक भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले ये चार सारी चीजें बताती रीजन क्या है। प्रीति जैन जी बताएं जी। सर जैसे मैंने बताया ना ब्रदर के सूर्य गुरु बुध 12वें घर में है सर, ये कविताएं लिखता है जी जी, बड़ी अच्छी बात है। और ये मतलब स्टेज पर भी हर एक चीज के ऊपर कविता बना देगा, और ये इसका पता नहीं सडन ही आया है इसके अंदर, तीन चार साल पहले चोरी तो नहीं करने लग पड़ा नजमे? नहीं नहीं सर, वो एस्ट्रोलॉजर तो नहीं है सर, वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, जैसे उससे अपने शादी हुई तो उसने अपनी मतलब वाइफ के लिए लिखी। दो मिनट दीजिएगा, माफ कीजिएगा, आप कंटिन्यू रखें, मेरे को फोन आया, दो मिनट दीजिएगा ठीक है, आप कंटिन्यू रखें। बोलिए, हम सुन रहे हैं।
Definitely not a problem, Usha. Not a problem. I will text you right now. Sure. Not a problem, man. I will do right now. No problem. No problems. Thank you. Bye. See you later. Bye. Sorry, guys. तो आगे बात करते हैं ऐसे जातक को जो बेसन के लड्डू होंगे उपाय है नोट कर लीजिएगा सभी सॉरी फोन आ गया था तो जो बेसन के लड्डू होते हैं वो ऐसे जातक को छोटी कंजकाओं में बांटने चाहिए अगर मंदिर में हो सके तो वेल एंड गुड नहीं तो बाहर भी कहीं अब देखिए उस दिन बात हुई किसी ने उपाय बता दिया कि लड्डू गोल होते बुद्ध के साथ लिंक होते हैं पर यहाँ पर पीले हैं और हम देख इनको रहे हैं कंजकाओं जो है वो बुद्ध का रूप भी है और उनको हम साक्षात माँ दुर्गा का रूप भी बोलते हैं कंजक को तो ये बहुत ही अच्छा और उत्तम उपाय है ऐसे जातक को बैंकिंग के काम में जहां पे कैलकुलेशंस करनी हो खासकर पैसे के साथ रिलेटेड उसमें भी फायदा होता है ऐसा जातक सेल्फ मेड पर्सन होता है दोस्तों बृहस्पति शनि हो बृहस्पति बुध हो खासकर बृहस्पति शनि की युति जब हम आगे करेंगे ऐसे जातक जो होते हैं सेल्फ मेड होते हैं धक्का खा के गिर के सीखने वाले होते हैं गलत काम करके सीखने वाले होते हैं एक्सपेरिमेंट करके सीखने वाले होते हैं ऐसे जातक का उतना नाम जीते जी नहीं होता ये भी निशानी है याद करें लिख लें नोट कर लें ऐसे जातक का उतना जो नेम एंड फेम जीते जी नहीं होता जितना मरने के बाद होता है लोग उनको याद रखते हैं उनके डेथ के बाद कि यार उन्होंने ये काम किया था उन्होंने ये चीज की है गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है ये हमने बता दिया क्यों होती है क्या रीजन है तीर्थ यात्रा करे करे भजन कीर्तन करा करे वो आपको समझा दिया कि जो ढोलकियां हैं जो मंदिर में हम बजाते हैं मानसिक परेशानी हो सकती है शारीरिक परेशानी हो सकती है अगर ये युति खराब हो तो घर में लड़ाई झगड़े क्लेश रह सकते हैं वही दिमागी तनाव फ्रस्ट्रेशन देखो लड़ाई झगड़ा क्या होता है बंदे का दिमाग जब घूम जाता है दिमागी परेशानियां क्लेश कई बार ऐसे जातक होते हैं ये बहुत रेयर होता है स्टैमरिंग की उनको हो जाती है आप ये समझ सकते हैं बुध नौवे के बोला गया है तो कई बार वो स्टैमर अगर खराब हो अगर अच्छी हो तो बहुत अच्छा बोलते हैं ऊपर आया हमने लिखा तो ये नेगेटिव चीजें हैं ट्रू वीर जी माई हस्बैंड हैज दिस युति एंड ही काउंट्स नोट्स होल डे आई कैन से प्ले विद करेंसी जी थैंक यू मेरी बहन अनीता शर्मा जी ऐसे जातक को एक और निशानी है देखिये बृहस्पति जो है वो हमेशा ही एक प्रोस्पेरिटी का मल्टीप्लायर है ऐसे जातकों को पेन कलेक्ट करने की अच्छे सुंदर तरह तरह के पेन कलेक्ट करने की आदत बड़ी होती है या ऐसे पेन जिनमें आपने देखा डिफरेंट कलर हो रेड कलर भी है ब्लू भी है ग्रीन भी है एक ही पेन में कितने सारे कलर्स के वो होते ऑप्शंस होती हैं ऐसे पेन सुंदर पेन या पेन गिफ्ट देते हैं ऐसे लोग गिफ्ट मिलते हैं पेन ये भी चीजें होती हैं पेन गिफ्ट दे दिया किसी ने पेन गिफ्ट मिल गया पेन पेंसिल स्टेशनरी कई बार बहुत होती है आपको पता है कि जो पेन पेंसिल है ये बुद्ध के साथ लिंक है और अगर यही टूटे पेन खराब पेन पड़े हुए हैं तो उनको निकाल दे कई बार ये मुझे बहुत बिल्कुल मैं रोक नहीं सकती बोलने के लिए भैया जी जी बता रही बेटे को मेरे उसकी आदत थी जब सैनिक स्कूल में कैमरा ऑन कर ले कोई बात नहीं कैमरा ऑन कर ले अगर बोल रहे हो वैसे ऑफ रखे कोई बात नहीं पर बोल रहे तो कैमरा अच्छा लगता है सैनिक स्कूल में था बेटा जब तो उसको बोलने की आदत थी तो वो डिबेट में इसमें भाग लेता था उसके पास मतलब हर सैटरडे को उसके पास इतनी कॉपियां होती थी और पेन मिलते थे उसको जी मतलब 3 साल तक तो उसने कभी खरीदा ही नहीं मतलब खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी इतने उसको स्कूल से मिल जाते थे गिफ्ट वेरी गुड तो देखिए जो चीजें होती है निशानियां कई बार लगती हैं अच्छा लगता है और जब फीडबैक मिलती जितेंद्र जोशी जी आप भी बताएं सर मुझे कई बार पेन कलेक्ट करने की आदत बन गई जब बन जाती है पर मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ और वो जो पेन कलेक्ट हो जाती है मेरे पास वो मैं बच्चों में बांट देता हूँ
जी अच्छी बात। कई बार मेरे साथ होता है, कई बार मेरे साथ होता है कि मैं पेन कलेक्ट करता हूँ और बच्चों में बांट देता हूँ, अक्सर ये होता है। कोई ऐसी बात नहीं, बच्चों में बांटना खासकर लड़कियां आगे से, ये वैसे तो मैं वो कहते ना वो नहीं करता कि बेटा या बेटी या लड़का या लड़की, पर उपाय के तौर पे अगर लड़कियों में बांट दे वो भी अच्छा है, ठीक है कि नहीं। वो एक आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये एक सॉर्ट ऑफ उपाय हो रहा है। जी भूपिंदर सिंह जी नमस्कार। गुरु जी नमस्कार। मैं भी एक कुंडली पकड़ के बैठा हुआ था जी अपने रिश्तेदार की उसके सेकंड हाउस में गुरु और बुद्ध है जी। जी उसने मेरे को गिफ्ट दिया था जी पेन का सेट मैं सोच रहा था भी थोड़ी कलेक्शन इकट्ठी हो जाए तो इकट्ठा ही बताऊंगा आपको जी। सही सही बात, सही बात। हां जी अच्छा, एक्सप्रेस नहीं कर सकता सही तरह से, चुप करके बैठ जाता है कई बार आके। जी जी। और इसके सिस्टर की शादी भी सिंपल हुई थी बिल्कुल, ज्यादा शोर शराबा नहीं कराया था उन्होंने। जी जी। भाई चलो क्या बुलाना किसी को, शॉर्ट में कर लो, बाजा गाजा नहीं बजाना। जी जी। हाँ, सिंपल से। और ये फिर काम भी बदलता रहता है जी, काफी सेटिस्फेक्शन नहीं है इसको। जी जी जी। ये भी बात बिल्कुल सही है जी, तकरीबन सारी बातें सूट कर ही रही हैं जी। हाँ, यू कैन गो आउटसाइड बट केयरफुली। देखिए ये जो निशानी मैंने बनाई थी ना, मेरी कजन है, मेरे मासी जी की बेटी है और उनके भाई की एक कुंडली में योग था, तो मैंने ये सोचने लग पड़ा कि यार ये क्यों शादी ऐसे क्यों हुई। तो उनके क्या हुआ था कि उन्होंने कहा कि वो लव मैरिज थी, तो उन्होंने कहा कि यार लोगों में थोड़ा ऐसा है कि लोग इतराज करेंगे, रिश्तेदार इतराज करेंगे, हम ऐसे करते धार्मिक स्थान पर चलते हैं, वहां पे शादी कर लेते हैं और बाद में हम डिक्लेयर करते हैं कि छोटा मोटा वो पार्टी वगैरह कर लेंगे, रादर देन कि लोग बाद में कहें कि वो लोग नहीं विलिंग थे पर पेरेंट्स विलिंग थे। रिश्तेदारों को भी होता ना यार ये क्या वो क्या, सो बातें होती हैं। तो मैंने सोचा कि यार ये क्यों है, इसका लॉजिक क्या है। तो कई बार मैं जब सोचने लग पड़ता हूँ तो मैंने सोचा कि देखें यार कि जो बृहस्पति है ना वो धर्म है और उसमें जरा बाजा गाजा शो ऑफ नहीं होता। हम बृहस्पति मोस्टली अध्यात्म का कारक है, मेडिटेशन का कारक है, जो जिसमें हम करना अच्छी सोच की क्या यार इतना बेफालतू का खर्चा करना, क्या डेकोरेशन बाजा गाजा क्या करना, बैंड बाजे बजाने, बचपना नहीं है बृहस्पति में, स्यानपता है। तो मैंने सोचा कि यार मैंने फिर वो कुंडलियों पे लगाया योग, जब हमारे पास तो योग मिलता है मोस्टली हम ज्योतिषी क्या करते हैं कि कुंडली आई चल यार इसको वेरीफाई कर लेते हैं या दोस्तों से पूछ लिया, इतनी कुंडलियां तो होती हैं 10-15-20 जो प्रैक्टिस करते हैं सभी के पास होती हैं। तो ये योग काफी मेरे को लगा और आपने भी आज आप सभी ने इसको वेरीफाई किया। जी जितेंद्र जोशी जी आपने दोबारा हाथ खड़ा किया। हाँ जी सर, सर मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, जैसे मेरे गुरु ने बुध की दशा चल रही है और फोर्थ हाउस में राहु भी है, तो मुझे आजकल लेखन की आदत भी बहुत हो गई है, मतलब अलग अलग टॉपिक पे लिखना और साइकोलॉजी पे लिखना, ऐसी आदत बहुत हो गई है। और जब से मेरे फादर पूरे हुए हैं गए हैं तो मुझे दुर्गा मंदिर में जाके रोज दुर्गा चालीसा पढ़ने की भी आदत हो गई है। जब मैं शहर में होता हूँ चाहे मतलब बारिश हो रही हो चाहे कुछ भी हो, मैं वहां पे दुर्गा मंदिर में पहुंचता ही पहुंचता हूँ हर हालत में। जी जी, बहुत बहुत अच्छी बात है जी। देखिए ये जो भी कर रहे हैं आप अच्छा कर रहे हैं और युति जो भी है, युति या जो भी ग्रह चाल है ये मान के चले कि वो अच्छा ही प्रभाव दे रही है। कई बार ऐसे जातकों को ना माला, धार्मिक माला पहनने का शौक हो जाता है, तुलसी माला पहननी, रुद्राक्ष माला पहननी, स्वस्थ क्या बोलते हैं उसको, सेफ्टिक की माला पहननी, तो कई बार ये भी हो जाता है, खासकर ये खाना नंबर 3 में हो या 12 में हो, ये चीजें मैंने देखी। अच्छा विद्वान बुद्धिमान क्रोधी भी हो सकता है, जहां जन्म होगा जातक के जन्म के आसपास कोई पार्क मंदिर हो सकता है। तो जैसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान मैंने बताई थी, तो यहाँ पे पार्क जो है मैंने बता दिया कि पार्क मंदिर हो सकता है। अब बृहस्पति जो है, पार्क को कई चंद्रमा भी लेते हैं, पार्क को कई बुध भी लेते हैं, डिपेंड करता है। तो ये आप लॉजिक क्या है इसके पीछे बता दिया आपको। कोई आसपास वकील दोस्त हो सकता है, कोई वकील मित्र हो सकता है, ये भी हो सकता है। बाप कई बार ऐसे जातक का इसके बर्थ के बाद कई बार सोने को गिरवी रखता है, बेच देता है या उसको बिजनेस में लगा सकता है। स्कूटर मोटरसाइकिल पर ऐसा बंदा जा रहा होगा ना, तो वो दूसरों को ये गाइड करता रहेगा कि बहन जी माता जी अपनी, आजकल तो लोग जीन्स पहनते हैं तो लोगों को ये गाइड करता था कि अपनी चुंदरी का ध्यान रखें, वो कहीं फंस ना जाए, उसके चक्के में ना फंस जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो आज के युग में इसको ये कहेंगे कि ऐसा जातक ना मोस्टली ये कटाक्ष करता रहेगा कि यार वो देखो उस लड़की ने कपड़े कैसे पहने,
वो ऐसे कपड़े पहन के मंदिर में आ गई, उसकी ड्रेसिंग सेंस नहीं अच्छी है, कई बार ऐसी ऐसी चीजें भी ये करता रहता है यार नहीं, तो ये भी हो सकता है। ऐसे जातक के देखे बुध क्या है, शीशा है, तो कई बार ऐसे जातक के जो शीशे पे ना, चाहे वो कार का हो घर का हो, मोस्टली उसने धार्मिक स्टिकर लगाए होंगे, बुध बुध और गुरु। सरिता पांडे जी मुस्कुरा रहे हैं जी, आप बताएं इसके बारे में कुछ। बिल्कुल सही कहा, उसने अपनी गाड़ी पे लगा के रखा हुआ है जी, जी। गाड़ी पे उसने लगाया है, धार्मिक स्टिकर भी है वो जी। तो आपको लॉजिक बता दिया है क्या लॉजिक है, तो ऐसे ही निशानियां प्रभु की बनती हैं, और ये जो गुप्त नॉलेज है आपको बता रहा हूँ। रोहित भाई मैं भी फिर बता दूं थोड़ा सा। हाँ जी, मैं बोल रही थी कैमरा ऑफ करके, मैं शीशे पे ना कहीं और तो अगर और महिलाएं अपनी बिंदी उतार के वो भी शीशे पे लगा देती हैं, ये भी आदत होती है। मैं कैमरा ऑफ करके हंसने लग गई थी, क्योंकि मतलब ये मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है, मैं सामने वालों के कपड़ों पे बहुत कमेंट्री करती हूँ, बहुत ही ज्यादा करती हूँ, कि मतलब इस जगह ते आया सी कि ये नू ए पाना चाहिदा सी। हो जाता है। हमने बैटिंग जो है वो मॉडिफाई कर दी ना, देखो बैटिंग जो है पुराने जमाने की थी, अगर हमें ज्ञान था हमने उसको मॉडिफाई कर ली, नहीं तो मोदियों ते आजकल लगती नहीं है, देश में आजकल कर दी है उसको बोल दे, बट हमने उसको अपनी अपने इंटेलेक्ट के साथ हमने तो वो मॉडिफाई की। आगे चलते जी, थैंक यू सुमित कलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जातक ने ना, जो कई बार उसके पिता ने, उसको पता ही नहीं होता कि उसके पिता के नाम पर उसके घर का मीटर का कनेक्शन नहीं होता, फोन का बिल नहीं होता, बिजली का बिल नहीं होता, मीटर तो बिजली का ही आ गया, यानी कि वो किसी और के नाम पे ही होते हैं, या उसको शौक नहीं होता कि मैं आपको करवाऊं घर का मीटर करवाऊं, या जो है फोन का बिल वो अपने नाम पे रखूं। अगर उसने पोस्ट पेड लिया हो, मोस्टली आजकल प्रीपेड होता है, तो ये भी आप लगा कर देख सकते हैं। कई बार ऐसी युति अगर खराब हो, बहुत ज्यादा खराब हो, तो कई बार ऐसे लोगों की, जैसे ना सोते वक्त कई बार आपकी जो फिंगर्स हैं या कोई अंग जो है वो सो जाता है, या बैठे बैठे कोई चीजें आपकी बॉडी के पार्ट सो जाते हैं, या कई बार किसी अंग का छोटा सा कोई लॉस हो जाता है, किसी आप देखा होगा किसी की उंगली कई बार छोटी सी हल्की सी कट जाती है, बिल्कुल छोटा सा, ज्यादा मेजर नहीं डैमेज, अब लिटल बिट ऑफ डैमेज कैन बी पॉसिबल, अगर ये योग खराब हो तो वहां पे अंग भंग का योग बना देता है। ऐसे जातक के अगर ये युति खराब कंडीशन में हो, तो ऐसे जातक के नानका परिवार में छठा हाउस आ गया ना, वहां पर किसी की अकस्मात मृत्यु, नौजवान मौत, अननेचुरल डेथ, ये भी हो सकती है अगर ये युति खराब हो। दूसरा, आगे चलते हैं, ऐसे जातक को ना घर बैठकर या कहीं जाएगा, वहां पर बैठकर ना जरा देर नहीं बैठ सके, सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, कभी उठकर घूमने लग पड़ेगा इधर उधर, जैसे बच्चों की तरह होता है, बच्चे नहीं ना टिकते कहीं पर, टिकाई पंजाबी जी कहते हैं, टिकाई नहीं होती अंदर बंदे में, ये तो जानता ना जरा चिर बैठ, अच्छा आपके आप मैं घर देख लूं आपका, अच्छा मैं बाहर देख लूं, तो कई बार ऐसी हैबिट होती है। जितेंद्र जोशी जी आप बताएं जी, आपने आत्रेस किया है। सर जो आपने अंग भंग वाली कही है वो मेरे पे आई थिंक लागू होती है, क्योंकि अच्छा। मेरा है, मेरा जो चेस्ट ऑर्गन है वो सारे के सारे उल्टे लगे हुए हैं, सारी की सारी चेस्ट है जो मतलब फोर्टिस की तरफ से भी डिक्लेयर कर दिया गया चेक करके कि सारी की सारी चेस्ट की उल्टी लगी हुई है, ये 50,000 में एक ही होता है कहते, वो मेडिकली कह रहे हैं, मतलब है ये अंग भंग कह सकते हैं, या मतलब मेरे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी है थोड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, चले परमात्मा से ये दुआ कि आप ठीक रहे, स्वस्थ रहे, हर कोई रहे। तो ऐसे जातकों को कई बार टीचिंग का भी शौक होता है, और कई बार जैसे बच्चे या बुद्ध है तो बच्चों को ट्यूशन देनी, कोई आसपास में ट्यूशन सेंटर, घर में ट्यूशन सेंटर, ये भी चीज हो सकती है। कई बार ऐसे जातक डिप्लोमेट भी होते हैं, क्योंकि बुद्ध जो होता है ना वो डिप्लोमेसी का कारक भी होता है, कई बार मतलब कि नॉलेज सभी कुछ होनी पर निकालनी तभी जब जरूरत हो, तभी शो करना जब उसकी जरूरत हो, नहीं तो कहना यार मेरे को तो पता ही नहीं यार,
जब जहां पे जरूरत हो तब वहीं पे वो बात करनी, डिप्लोमेसी सॉर्ट ऑफ थिंग। बाप दादा को कई बार ऐसे बाप के बाप दादा को कोई किडनी इशू, कोई बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, सूजन होती है किसी पार्ट्स में, नर्व्स में सूजन होती है, वो भी चीज हो सकती है। बालों की समस्या ऐसे जातक को कई बार आ जाती है, खासकर बालों में डैंड्रफ, बालों का झड़ना, बालों का सफेद हो जाना, कई बार ये भी चीजें होती हैं। यहाँ पर ये युति अच्छी हो, ठीक हो, मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे आजकल ये जो है नई निशानी है जो मैंने निकाली, ऐसे जातकों को मीटिंग करने का बड़ा शौक होगा, मीटिंग में बड़ी जल्दी जाएंगे, मीटिंग के लिए दूसरों को बुलाएंगे। कई बार ना लोगों ऐसे मीटिंग में जाते जाना पसंद नहीं करते, क्या यार वही बोरिंग यार, क्या मीटिंग में जाना, इन लोगों को बड़ा हो यार मीटिंग में जाना, लोगों को मीट एंड ग्रीट करना ऐसे जातक को बड़ा अच्छा लगता है। और अनीता शर्मा लिखते दूसरों के फरी नाम भी रख देते हैं एड्रेस करने के लिए, हाँ बिल्कुल सही हो, मीटिंग प्लान करने वाले होते हैं। और यहाँ पर एक और जो निशानी है जो मैंने ये सम्मेलनों से निकाल ली है, ज्योतिष सम्मेलनों से, ऐसे जातक के घर में जो अवार्ड मिले होते ना, अवार्ड क्या सम्मान में एक आपको मिलता ना, जो अवार्ड मिले होते हैं वो कई बार पीतल के होते हैं और वो रखे होते बड़े इन्होंने, कोई पीतल के जैसे कप हो गए, अवार्ड हो गए, वो इनको मिल सकते हैं। ऐसा जातक 1000 वर्ड टू वर्ड करेक्ट जितेंद्र जोशी जी, धन्यवाद प्रभु जी, आपको भी बड़े अवार्ड मिले होंगे, पीतल के कप वगैरह, प्लेटें वगैरह, शील्डे वगैरह, ठीक है। ये ज्योतिष सम्मेलन से मैंने बैटिंग निकाल दी थी, तो इसका लॉजिक यही है कि बृहस्पति जो सम्मान है एक तरह का सम्मान का कारक है, तो पीतल की चीज कोई उसके रूप में उसको सम्मानित किया गया हो, कोई शील्ड कोई ऐसी बनी हो और सर्कुलर बनी हो, कोई कप वगैरह, क्योंकि वो कप वगैरह एक तरह का वो क्रॉकरी के कप वगैरह की तरह ही होते ना। ससुराल कम जाता है ऐसा बंद, ससुराल जाना पसंद नहीं करता, वो कहता यार क्या यार ससुराल जाना। तो अब नाम वाली बैटिंग दे दूं कि ना दूं आपको, काफी सारी चीजें होती हैं जो मैं कई बार हाइड कर देता हूं, तो यही ना कि हर कई बार आप नाम वाली बैटिंग हर तरह के लगा रहे हैं तो वो काम खराब हो जाता है। ऐसे जातक के कोई यार दोस्त जो जिगरी होता है उसका नाम बी या आर से होता है, पी से भी हो सकता है। ऐसे जातक को अब लंबी पैंटे पहनने का कई बार शौक होता है कि यार एडी से ऊपर ना हो, थोड़ा नीचे हो, लंबी पैंट कई बार वो शूज के नीचे जाती होती है। जितेंद्र जोशी जी लिख रहे हैं वाइफ का नाम आर से है जी। लंबे कोट पहनने का, लंबे स्वेटर पहनने का शौक, कॉलर थोड़ी सी लंबी रखने का शौक, भाई यार गले को मेरे बिल्कुल तंग नहीं है, मेरे को वो चीज नहीं पसंद, तो ये भी चीजें कई बार होती हैं। इसकी बहन कई बार, बहन इसकी काफी जो होती है वो भी दबंग होती है, या वो बहुत इंटेलिजेंट होती है, टीचर होती है, एजुकेटेड होती है जी। अमिता वर्मा जी आप बताया, आप काफी देर बाद आपने हाथ रेस किया है। हाँ जी नमस्ते सर। नमस्ते जी। नमस्ते। मेरी सिस्टर है वो गवर्नमेंट टीचर है जी, और उसका नेचर ऐसी है थोड़ा दबंग सा, वो डरती नहीं है किसी से भी जी। हाँ बिल्कुल ऐसी जितनी भी निशानियां बता रहे हो ना बिल्कुल सारी मेरे ऊपर फिट बैठ रही हैं। बाकी तो सेवेंथ हाउस में है ही, आपको पता है फाइव ग्रह भी है साथ में, ये है तो अधिकतर जितनी भी है फिट बैठ रही है पूरी। अब चक्कर ये मैं इसलिए ज्यादा ऑनलाइन उसमें नहीं जवाब दे रही हूँ क्योंकि मैंने उसमें रोटी भी बना रही हूँ साथ में जी। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देखिये औरत जो है ठीक है, अब जैसे आपने बताया पैरालिसिस की दिक्कत वो मेरे फादर को थी जी, और नसों की दिक्कत तो मुझे ही हो गई थी, मेरी नसें बहुत चढ़ती हैं, बैठे बैठे भी ना अगर मैं बैठूंगी तो घुटने के नीचे की तरफ को अपने आप ऐसे घूमने लग जाएगी जैसे जलेबी की तरह बिल्कुल ऐसा हो जाता है, नॉर्मल में भी ऐसे रहता है बिल्कुल। तो पहले तो मुझे दो साल तक साइटिका की प्रॉब्लम थी लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है, जैसे गुरु की महादशा आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही, लेकिन हाँ नसें हैं कि वो अपने आप घूमने लग जाते हैं कभी भी, ये हो जाता है ना घूमे एक जगह बैठे टिक कर तो ये दुआ करते हैं ऊपर वाले से। हाँ जी नहीं वो चीजें इफेक्ट करती है ना, अगर हमें उनका लॉजिक समझ है, हमें पता है क्या उनका लॉजिक है, क्या गहराई में रटी बातें तो नहीं, उनको लॉजिक के साथ समझें,
वैसे औरत मैंने कहा कि दुर्गा का रूप है, कभी एक हाथ में बच्चे पकड़े, दूसरे हाथ में टिफिन पकड़ा, बैग पकड़ा, पति का कारा बना रही है। मैं काम एक साथ सारे एक साथ ही लेके बैठती हूँ, एक एक करके नहीं बैठती जी। एक तरफ चढ़ाती है, यही काम होते हैं मेरे। ये मिथुन लगन वाले बंदे, बुध लगन में हो, बुध की लगन पे दृष्टि हो, वो भी ऐसे मल्टीपल काम है, एक हाथ फोन सुनने, दूसरे हाथ से सब्जी काट रहे हैं, एक हाथ में टीवी का रिमोट पकड़ा हो, दूसरे हाथ से मैं फोन पकड़ा हुआ है। तो हाँ जी, ये भी चीजें होती है भाई। बिल्कुल बिल्कुल जी। आप आगे जितेंद्र जोशी जी ने बोला था उनकी बहन जो है बीजेपी में है, जितेंद्र जोशी जी बताइए अपने शब्दों में जरा प्लीज, आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया था। सर मेरी बहन बीजेपी में ज्वाइन की है अभी, और कह सकता हूँ कि उसने दबंगई शुरू कर दी है। बिल्कुल आपकी अक्षरता सही है, बिल्कुल जी जी, वर्ड टू वर्ड सर आपकी जो भी मतलब आप बता रहे हैं वर्ड टू वर्ड बिल्कुल फिट बैठ रहा है जी जी। घर घर मोदी, हर घर मोदी, बिल्कुल बिल्कुल। मनीष शर्मा जी आप बताए प्रभु जी, आपने भी काफी देर का हाथ रेस किया हुआ है। मनीष शर्मा जी, भूपिंदर सिंह जी आप बताएं। हाँ जी प्रणाम प्रभु जी। जो कुंडली मैं देख रहा था निकाल रखी है ना जी, जी जी, उसी की सिस्टर का नाम पी से है। क्या बात है, क्या बात है। और दबंग है, बोल्ड है, और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी, अब वहाँ विदेश जाके वहाँ कोई कोर्स करके वहाँ भी टीचर लग गई है जी। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, धन्यवाद। मनीष शर्मा जी आप बताइए अब आप। राम राम प्रभु जी। राम राम जी। जैसे मेरे मित्र हैं उनके सातवें भाव में बुध और शुक्र है, और अष्टम भाव में बृहस्पति है जी। तो उनका नाम भी आर से ही है, और मेरे जितने भी एक दो दो तीन मित्र हैं उनका भी गुरु बुध का ईशा जी दीवार हो, यस इकट्ठे बैठे ही है। और जैसे गुरु शुक्र की युति में भी आपने बताया था ना, जैसे मेरे शुक्र दो में है, गुरु बारह में, एम नाम से भी जातक घर पे है जी जी। और मेरे मित्र के भी घर में उनके सिस्टर का नाम भी एम से ही है। क्या बात, क्या बात, बड़ी अच्छी बात, थैंक यू सो मच जी। तो ऐसे जातक का आगे जो है वो निशानी जब बैठेंगे घर में, टॉयलेट कई बार नॉर्थ की तरफ होता है, घर कई बार लंबा हो सकता है, यानी कि लंबाई में ज्यादा, शुक्र दो हो तो भी घर कई बार लंबा होता है, शुक्र दो हो तो कई बार गऊ मुखा घर भी होता है, जैसे गऊ का मुख होता है ना, आगे से थोड़ा था तो पीछे से बड़ा, वो अच्छा होता है, शेर मुंह होता है, वो आगे से बड़ा शेर की तरह पीछे से छोटा, वो बिजनेस के लिए अच्छा होता है, रहने के लिए कला क्लेश रहती। मंगल कई बार तीन हो या दो हो तब भी ऐसी ऐसी चीजें होती है। तो घर के आसपास कोई मोबाइल शॉप होगी, कोई बर्तन की दुकान होगी, कोई ऐसा बंदा होगा जो कई बार ज्यादा लाउड नॉइसी होगा, गाने शाने रात के 10-10 बजे तक बजाता रहेगा, तो ये भी चीजें हो सकती है, डिपेंड करता है। सरिता पांडे जी आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, आपको कोई बैटिंग मिल गई है। बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है जो ना लगे, मेरे घर के बाजू में ही जो है वो मैरिज हॉल है, तो रात के 11 बजे तक बाजे चलते रहते, 10-11 बजे तक, क्या यार ठीक है आप जी जी, बड़ी अच्छी बात। तो यहाँ पर अब थोड़े से जो एक और कंडीशन है कि उपाय यहाँ पर किस चीज के होंगे, खाना वार भी चलते हैं हम, उपाय मोस्टली बुध के होंगे। गुरु के साथ मोस्टली हम देखा किसी की भी युति हो तो उपाय हम दूसरे ग्रह के करवाते, गुरु किसी को इतना ज्यादा तंग नहीं करता, खुद खराब हो जाता है दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता, गुरु है तो उपाय यहाँ पर बुध के ही किए जाएंगे, तो बुध के उपाय जितने हो सके वो किए जाए और अच्छे होंगे। खाना नंबर चलते हैं, खाना वाइज खाना नंबर एक में हो तो बहाने बार कहानी बार पिता से अलग हो सकता है, और दांत कोई डिफेक्ट हो सकता है, दांत पे दांत हो चढ़ा हो, दांत आप समझ सकते हैं, दांतों में डिफेक्ट किसी भी तरह का कोई भी हो सकता है। खाना नंबर दो में हो तो 8, 16, 34 साल की उम्र में पैसे का नुकसान होता है, स्टडी में गुड पर कई बार यहाँ पे बुध का फल खराब हो जाता है, तो बुध के उपाय करते रहे। खाना नंबर तीन में हो तो ग्रस्त जीवन में प्रॉब्लम आती है, मैरिड लाइफ में ग्रस्त जीवन में प्रॉब्लम आती है, पैसा हो सकता है, कई बार पत्नी की सेहत खराब हो सकती है या पत्नी झगड़ालू हो जाती है,
और कई बार ऐसा जातक जो होता है वो खुद या उसकी पत्नी जरूर से अधिक चलाक या शेखी मारने वाली, और कई बार ऐसे ही हरकतें कर देंगे क्योंकि बुध तीन आ गए ना यहाँ पे, कि अपनी प्रशंसा अधिक सुनेंगे, प्रॉब्लम हो जाती है, या अपने शत्रु खड़ा कर देंगे, सच बोल देंगे, यहाँ पर सच्ची बात बता के अपने अगेंस्ट ही बंदे खड़े कर लिए, तो ये भी चीज हो जाती है खाना नंबर तीन की बातें। खाना नंबर चार में ऐसा जातक कई बार बाहर से तो बहुत कुछ लगेगा, अंदर से कई बार खोखला होता है बुध, यहाँ जब भी खाना नंबर चार में आता ना तो बंदे का मन थोड़ा सा डामाडोल कर देता है, थोड़ा सा डिप्रेशन में ले जाता है, उसको बातें जल्दी फील हो जाती है, जल्दी दूसरों की बातें फील कर लेगा, मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाती है, कई बार अगर बहुत खराब हो तो सुसाइड के ख्याल आ जाते हैं, तो माता को कष्ट आ जाता है कई बार। खाना नंबर पांच में अगर गुरुवार वाले दिन, थर्सडे वाले दिन बच्चा हो गया, खासकर पुत्र, तो अच्छा है, स्टडी अच्छी होगी और जो समझ होगी वो धक्के खाकर ही आएगी दुनिया की। यहाँ पर कई बार वाइफ को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पर अगर पहली लड़की हो गई तो इट मीन्स कि बुध पूरा स्ट्रांग है, तो यहाँ पर ऐसे जातक की बुद्धि कई बार स्टेबल नहीं रहती, डामाडोल ही रहेगी, कंफ्यूजन ही रहती है। खाना नंबर छह में पिता से ज्यादा सुख नहीं मिलेगा, पिता का सुख कम, धार्मिक मन होगा लेकिन कई बार जो करेक्टर होता है वो बदचलन हो जाता है, यहाँ कह ले कि लोग इल्जाम लगा देंगे, कोई एलिगेशन लग सकते हैं। ऐसे जातक कि अब खाना नंबर छह में है तो नानका घर में कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता है बृहस्पति की वजह से, वो काफी इंटेलिजेंट मान सम्मानित कोई पंडित पुरोहित कोई कुछ भी ऐसा हो सकता है, बचपन अच्छा होगा लेकिन जवानी और बुढ़ापा कई बार खराब हो सकता है। जो बचपन इसलिए अच्छा हो जाएगा, बुध का अपना घर छठे में है, आर्गुमेंटेटिव भी होते हैं, कई बार ऐसा जातक अपनी बेइज्जती खुद करवा लेता है ज्यादा बोलकर। खाना नंबर सात में हो तो अपने परिवार के ये ऐसा जातक कई बार काम नहीं आता, और यारों दोस्तों की मदद अधिक करता है, यारों दोस्तों के चक्रों में फंसा रहता है, ज्योतिषियों के चक्रों में फंसता रहता है, बाहरले लोगों की हेल्प करता रहता है, कला क्लेश का कारण बन जाता है घर में, घर की तरफ जो है वो जरा उसका रुझान नहीं रहता। खाना नंबर आठ में हो तो कई बार अपने बारे झूठी अफवाहें, या कई बार नेम फेम, अगर अफवाह है तो कई बार फेम भी फैल जाता है एकदम से, एकदम से आपने देखा होगा कोई बंदा पॉपुलर हो जाता है एकदम से, आपने कोई वीडियो वायरल होगी एकदम से बंदा पॉपुलर हो गया, तो कई बार कई अफवाहें फैलती हैं, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि कई बार एकदम से पॉपुलर हो जाएगा। ऐसे जातक को कई बार मजारों पर जाना, पीरों पर जाना, या आसपास कोई मजार पीर की जगह हो सकती है, कोई दरगाह हो सकती है, अगर ये होती खराब हो तो घर में किसी को माइनर हार्ट अटैक आ सकता है, दमे की प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा की। नाइन्थ में हो तो कहते हैं शेख चिल्ली, जैसे राहु बारह में प्लानिंग बहुत बहुत कर लेगा, बहुत बहुत कर लेगा, पर वो ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, तो ये भी हो जाता है कि बंदे की प्लानिंग जो है वो फेल हो जाती है। खाना नंबर दस में हो तो पिता जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक नाम का पिता होगा, यानी कि जन्म दे के छोड़ दिया, सेल्फ मेड इसको लाइफ में बनना पड़ेगा, परेशानियां आएंगी, सेल्फिश भी लोग इसको बोल देंगे कई बार, पर इसको पता होता है कि लाइफ में इसने कितनी स्ट्रगल की है, कितना कुछ देखा। खाना नंबर ग्यारह में हो तो कई बार ऐसा बंदा डरपोक होता है, लगेगा आपको कि यार ये साथ देगा, तो जब साथ देने की बार आपको बताएगा यार मैं तेरे साथ खड़ा हूँ कोई बात नहीं, पर वो बाद में वहां पर गायब हो जाएगा, वहां से कहीं दूसरों को झगड़ा करवा देगा, बड़े फैसले लेने से डरेगा लाइफ में कि नहीं यार अच्छा, एकदम से कोई नया फैसला लेने से डरेगा, मैं काम नहीं चेंज कर सकता यार, ये चीज होगी, पर ज्ञान की कोई कमी नहीं होगी, पर इसके ज्ञान की कोई कदर नहीं करेगा अगर युति खराब हो। खाना नंबर बारह में हो तो सोना गुम हो सकता है, चोरी हो सकता है, नुकसान हो सकता है, दिमागी परेशानियां, स्ट्रेस, कंफ्यूजन, डिप्रेशन, पैसे का नुकसान, बेटी संतान अधिक, पुत्री संतान अधिक हो सकती है, यानी कि या बहनें अधिक हो सकती हैं, या बहन बेटी पर खर्चा अधिक हो सकता है, ट्वेल्थ हाउस खर्चे का घर है,
तो कई बार बुध अपने आप पे, क्योंकि बुध यहाँ पर नीच का है तो खर्चा जो बहुत खर्चा होगा, बृहस्पति क्या है बढ़ा देता है हर चीज को, बहन बेटी पर इतना खर्चा आ जाएगा कई बार, कई बार बेटी की सेहत खराब हो जाएगी। तो कई बार खाना नंबर 12 में हो तो एक बार जो सोच लिया वो करके छोड़ेगा, चाहे उसका रिजल्ट जो मर्जी हो, रिजल्ट नहीं सोचेगा, इसको पागलपन भी बोलते हैं खाना नंबर 12 वाले, एक बार जो कर सोच लिया वो करके छोड़ना है। तो यहाँ पर एक उपाय जो है, आगे थोड़े से उपाय भी डिस्कस कर लें साथ ही साथ, तो बड़ा अच्छा उपाय है जो ढोलकी होती है जो मंदिर में बजाते, वो खरीदे, नंगे पांव जाए, अपने सर पे रख के ढोलकी जाए और वो मंदिर में दान करके आए, खासकर माँ दुर्गा के मंदिर। माँ दुर्गा का भजन मतलब कि उनके पूजा पाठ करे, कंजकों की सेवा करे, बुद्ध के उपाय हैं कंजकों की सेवा करता रहे। और घर में जो है बुद्ध की जो नेगेटिव चीजें, जैसे बड़े बड़े जो पत्तों वाले पेड़ पौधे हैं वो नहीं लगाने, आपको पता ही है वो नहीं लगाने चाहिए। मैंने वैसे लगाया, रबड़ प्लांट लगाया हुआ है, तो कई बार ऐसे जाते कि घर में मनी प्लांट्स वगैरह, ग्रीन पौधे, इंडोर प्लांट्स बहुत होते, बहुत रखे होते, उनको अच्छे लगते, डिपेंड करता, मैंने रखे हुए मेरे को तो नहीं लगता कोई नेगेटिव इफेक्ट देते, ज्यादा बड़े ओवर साइज के पत्ते ना हो। ऐसे जातक को घीये में चने की दाल डालकर सब्जी बनाकर खानी चाहिए। पीतल के खाली बर्तन घर में नहीं रखने चाहिए। बेसन के लड्डू, आगे मैंने उपाय बताया था कंच को दक्को दे, यहाँ पर बेसन के लड्डू राम जी के चरणों में भी रख सकता है, प्रभु श्री राम जी के चरणों में बेसन के लड्डू भी अर्पित कर सकता है। यहाँ पर घड़े वाला हमने आगे किया लॉजिक के साथ, यहाँ पर कई बार ऐसा करे कि घड़ा जो है वो खरीद लाए कच्चा घड़ा, उसको सरहाने रखे सर की तरफ बेड के नीचे, सरहाने रखकर सुबह उसको जल प्रवाह करते। पीतल का जो घंटा है वो मंदिर में, पहाड़ी वाले मंदिर में खासकर, यहाँ पर शनि का साथ लिया गया, वो दान करें चढ़ाए, जैसा कि हमने पिछली एपिसोड में बताया था, पिछले युति में किया था हमने, कि मोदी जी ने ये उपाय जो है वो किया था और उनको सक्सेस बड़ा उनको मिली इसके बाद। ऐसा जातक पीतल की जो गड़बी होती है वो भी प्योर पुदेरी, वो भी मंदिर में दान कर सकता है धर्मस्थान पर। ऐसा जातक सोने का खोखला मनका बनवाकर, ये लाल कुताब का उपाय आपको मिल जाएगा बुक्स में, लाल कुताब की बुक्स में, तो गोल्ड का ना मनका बनवा लेते हैं, अंदर से खाली होता है, खोखला होता है, उसको दूध के साथ, कच्चे दूध के साथ धोकर वो गले में धारण करे, बकरी को चने की दाल खिलाए, बकरी बुध, चने की दाल बृहस्पति, बुध राहु की चीजें ज्यादा घर में ना रखे, आपको पता ही है। इसका बड़ा तगड़ा उपाय एक और, पीतल की बकरी बनवाकर धर्मस्थान में दे, नाक छेदन करवाए, ये सभी को पता है बुद्ध के उपाय। माँ दुर्गा के मंदिर में पीतल का छत्र चढ़ा सकता है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, राधा दिन छोटी सी बकरी बन जाती है, वो भी बंदा यूज कर सकता है, अगर कर सकता है तो बता, नहीं तो छोटा सा चांदी का छत्र भी चढ़ा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। पीला कद्दू जो है वो धर्म स्थान पर या लंगर में दे, बेस्ट है जी लंगर में दे। और इस कंडीशन में जो लास्ट और बेस्ट और उत्तम उपाय है, नदियों में, धार्मिक नदियों में, गंगा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, उनमें स्नान करता रहे, गंगा में तो कर ही सकता ना, धार्मिक नदियों में। बुद्ध वैसे भी नौ में हो तो कई बार बोला है कपड़ा ऐसे मत पहने, वो गंगा जल के छींटे मारकर पहने बताया गया है, तो धार्मिक नदियों में ये स्नान करता रहेगा तो उससे भी ये चीज जो है वो ठीक रहेगी। आगे लास्ट उपाय आपको वो भी बता देता हूं, वजन का 10वां हिस्सा, जैसे मान ले कि 60 किलो वजन है बंदे का तो 6 kg हो गया, 80 किलो है तो 8 kg हो गया, तो अगर 85 kg है तो 8 किलो 500 ग्राम हो गया, 10वां हिस्सा ले लेना, ज्यादा ही ले लें, कोशिश करें ज्यादा ले लें, और पौन में ना लें, थोड़ा जरा ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। वजन का 10वां हिस्सा लेके चावल, चावल लेके उसका 10वां हिस्सा
साबुत चावल हों उनको जल पर वाह कर दे। बुध जब भी कंट्रोल होगा कई बार चंद्रमा से भी कंट्रोल होगा, जैसे नदियों में नहाना चंद्रमा जो है वो बुध को कंट्रोल कर लेता है। ये भी एक लॉजिक है जो बुध और चंद्रमा का, शनि भी बुध को कंट्रोल कर लेता है। पहाड़ी वाले मंदिर का उपाय आपने करवाया तो चले दोस्तों आज काफी समय हो गया, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग रहा। किसी को कुछ वेरीफाई करना है तो जरूर करें और इसी के बाद हम इसी के साथ हम सेशन जो है समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद, सुमित जी, सरिता पांडे जी, भूपिंदर जोशी, भूपिंदर सिंह जी, अमिता वर्मा जी, मनीष शर्मा जी और बाकी बैद्यनाथ मिश्रा जी सभी सारे, अरिता शर्मा जी, जितेंद्र जोशी बताए। सर जैसे मतलब मैंने बताया था कि मेरे चेस्ट ऑर्गन उल्टे लगे हैं, इसका भी कोई ना कोई कारण तो एस्ट्रोलॉजिकली हो सकता है ना, मतलब मैं गुरु बुद्ध की बात नहीं कर रहा, कोई ना कोई कारण तो बन सकता है ना एस्ट्रोलॉजिकली। मैं आपकी बात पहले नहीं समझा, बाकी सारी समझ गया हूँ, क्या योग बोला आपने? सर जैसे मतलब मेरा चेस्ट ऑर्गन उल्टे लगे हुए हैं। अच्छा तो मतलब मे बी ये एस्ट्रोलॉजिकली कुछ कंडीशन ही बनी होगी जिस कारण ये उल्टे लगे हुए हैं। देखिए मेरे मालिक मेरे प्रभु, हर चीज जो होती है एस्ट्रोलॉजिकल नहीं होती। पहली बात तो हमें ये चीज दिमाग से निकालनी है। ओके, चीज में हम एस्ट्रोलॉजी लेकर नहीं चल सकते। आज स्कूल में मैं सैर कर रहा था, मेरी मिसेज यही बात कर रही थी मेरे साथ, वो ईश्वर में मानती है। वो कहती कि क्या हम ये सारी निशानियां बता बता के भी जो उपाय है वो कितने काम करते हैं, वो ईश्वर की मर्जी के साथ ही काम करें। हम जो मर्जी करते हैं, ये निशानियों में मेरा इंटरेस्ट क्या है कि हम बता लेंगे कि यार अगर ये बंदा ऐसा है, अगर ये राहु लगन में है, राहु दो में है, सूर्य लगन में है, पर उस चीज को हम कितना कंट्रोल कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। किताब में भी लिखा है कि रेमेडीज जो होगी वो वहां तक ही असर करेंगी। अगर आपकी किस्मत की नाली में कोई अड़चन है, कोई पत्थर है या शेर आप पर अटैक कर रहा है तो कुछ देर के लिए वो दीवार खड़ी कर देगी, पर जो हमें कर्मों के भोग हैं वो कहीं ना कहीं भोगने ही भोगने हैं। आज देखिए मेरे, मैं देख रहा था मेरे बच्चों को, मैं बोला ना वैसे यूनिवर्स के सीरियल्स देखे, नाटक देखे, तो हमारी जो गैलेक्सी है उन्होंने दिखाई वो इतनी छोटी है, इतने इतने तारे है, और वो वर्गों में हमारी जो क्लस्टर है मिल्की वे, पता नहीं कितने कितने ब्रह्मांड है, कितनी दुनिया है। तो पॉजिटिव लेके चले, अगर उल्टे हैं तो प्रभु जी कोई ऐसी बात नहीं है। आप देखिए सबसे बढ़िया बात है कि हम खुश हैं, जीवित हैं, ईश्वर का गुणगान कर रहे हैं, बिल्कुल क्या हो सकती है। बिल्कुल, तो यही सबसे अच्छा है कि हमें पॉजिटिविटी के साथ चलना चाहिए लाइफ में। ये ठीक है एक हॉबी है, शौक की तरह मैं रखता हूँ तो, पर मैं कभी किसी को वहम नहीं डालता, नेगेटिव सलाह नहीं देता कि ये भी उपाय करे, वो भी उपाय करे, जी इतना खर्चा कर लें। ईश्वर का नाम स्मरण करना सबसे बढ़िया बात है। तो भूपिंदर सिंह जी आपने मोस्ट वेल्कम, बताएं भूपिंदर सिंह जल्दी। हाँ जी सर, एक चीज क्लियर करनी है क्योंकि ये योग दृष्टियों में भी काम तो करेगा जी। बिल्कुल करेगा, कुछ हद तक करता है योग दृष्टि। और हम इसको हाउस कैसे गिने, जैसे मान लो बुद्ध पहले में है या गुरु साथ में है, तो हम किस हाउस में लेके चले जी? उसको हाउस में लेके नहीं चलेंगे, उसको हाउस में लेके नहीं चलेंगे। ओवरऑल उसकी कई बार कंडीशन आ सकती है, जैसे 5-9 में हो, 3-11 में हो जी, वो भी वो दृष्टियां बन जाती है। तो कई बार वो अगर एक दूसरे को देखते हैं किसी तरह से, या एक दूसरे को देखता है जैसे उन्होंने बताया, तो कुछ ना कुछ उनका इफेक्ट आ जाता है। जैसे रंग है ना, दो रंग टॉर्च से मारेंगे तो उनका जो मिक्स जो इफेक्ट आ जाएगा ना कई बार, तो वो भी चीज हो जाती है जी। थैंक यू। उसको हम खाने में लेकर नहीं चलेंगे, ओवरऑल जो खाने वाली नहीं हम बातें करेंगे, हम ओवरऑल जो है उसकी चीजें वो निकाल सकते हैं, ये हम उपाय करवा सकते हैं। मनीष शर्मा जी आप बताएं। राम राम प्रभु जी। राम राम। हाँ जैसे आपने गुरु बुद्ध की युति बताई ना, जैसे मेरे मित्र के भी है जैसे गुरु बुद्ध की, तो जैसे बगलामुखी का वन में बैठने का मौका भी मिला जी जी। और जैसे जब एक बार ऐसा वाक्य बना कि जेब में कुछ नहीं था तो कामाख्या के दर्शन का मौका मिला जी। जैसे शनि मेरे 11वें भाव में, गुरु बुध 12वें भाव जी जी। और जैसे घर के नजदीक अगर पेपर है तो उसमें पानी भी डाल सकते हैं जी जी। देखिए शनि जो है आपका अच्छा बैठा है लाइफ में, बृहस्पति भी बहुत अच्छा बैठा है। मेडिटेशन कीजिए, सुबह की मेडिटेशन, रात की मेडिटेशन, जो भी है, जब भी सुबह उठ के वैसे तो मेडिटेशन करें। बृहस्पति 12 वाला जितना ध्यान लगाए उतना ही अच्छा है।
और बुद्ध का जो है बुद्ध का उपाय करते रहे, बुधवारा के उपाय करते रहे, घड़े वाला जो उपाय बड़ा अच्छा उपाय वो करे। कविता मैं मतानी जी आप बताए जी सर। नमस्कार सर। सर ये जो आपने कैमरा होगा जी सर, वैसे नहीं, नहीं सर क्या होता है कि बंदा बॉडी लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर लेता थोड़ा सा वो, और क्या होता है जी। सर एक्चुअली से मेरे परिचित है जिनका सर 10th हाउस में जुपिटर और 4th हाउस में मरकरी है सर, उनके पिताजी से बिल्कुल नहीं बनती, दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते। सेम है सर, बिजनेस में भी सर इतना अच्छा नहीं चल रहा है, मेहनती बहुत है पर चलता नहीं है, यही दिक्कत है। दोनों अपने आप में सही है, दोनों पिताजी और वो, पर बनती किसी में नहीं है। वो कहता है मैं सही हूँ, कहता है मैं सही हूँ। निशानियां बैटिंग आपको सही लगी कहने का भाव जी सर, बिल्कुल सर। धन्यवाद आपका फीडबैक के लिए। लोकेश त्रिपाठी जी बताए बताए प्रभु, थैंक यू। कविता जी राम राम प्रभु जी। राम राम जी, ये जो आपने इसमें घड़े वाला उपाय बताया है प्रभु जी, तो ये बुध बारह में अधिकतर करवाया जाता है? नहीं नहीं, बुध बारह में तो करवाया जाता है, वैसे भी इस युति में भी करवा सकते हैं आप। बुध बारह का मतलब तो वही होगा ना, कहीं का बृहस्पति और बुध का लिंक हो गया ना बुध बारह में, तो उसका मैंने आज आपको लॉजिक भी बता दिया कि जो एयर होती है वो बृहस्पति है, ठीक है कि नहीं, और उसका बता दिया कि बुध कैसे सिक्स हाउस में चले जाता है और एयर कैसे रिलीज हो जाती पानी में, और दोनों ही मैंने सारा जो लॉजिक है डिकोड कर दिया, तो कोई शंका नहीं अगर आप इसको दोबारा देखेंगे जी, तो जी, मैं पूछा तो इसे इसमें बताते हैं कि अपने कि भाई इसको ढक्कन लगा के जल प्रवाह करें कच्चे घड़े को या नॉर्मली करवा सकते हैं? नहीं नहीं, 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 ये वाले उपाय में ढक्कन लगा के नहीं करना। देखिए आगे एक लॉजिक है, कई बार बुध नष्ट किया जाता है, कई बार बुध तारा जाता है जी, वो भी बातें, कई बार बुध नष्ट किया जाता है, कई बार बुध तारा जाता है, ये भी चीजें होती हैं आगे, डेप्थ इन डेप्थ है। चलिए भूपिंदर सिंह जी, आपको आपने शायद दोबारा खड़ा किया है हाथ के, क्या आपको कुछ पूछना मेरे मालिक? यू हैव रेज्ड योर हैंड अगेन। चलिए थैंक यू सो मच सुमित कलसी जी आपका, चंद्रशेखर जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बैद्यनाथ मिश्रा जी, अनिता जी, अमिता जी, कविता जी, सभी को सभी को सभी को थैंक यू सो मच। रोहित भैया थैंक यू, थैंक यू, जय माता दी, जय माता दी, थैंक यू जी, जय माता दी।